আচ্ছা, আমি রেকর্ডিংটা স্টার্ট করেছি, জাস্ট মুঝে কনফার্ম করনা স্যার। হ্যাঁ হো গিয়া না, রেকর্ডিং স্টার্ট কে রে, রেকর্ডিং কা हाँ মেসেজ सर কিয়া हो গিয়া। गया है ওকে ना दा? हाँ सर ওকে ঠিক আছে স্যার। গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ স্যার, গুড ইভিনিং। আচ্ছা তো জিএসটি পড়না হ্যায় স্যার, গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স। স্যার লাস্ট 3-4 ক্লাস জিএসটি में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लास्ট 3-4 ক্লাস हम लोगों ने पूरा का पूरा जीएसटी का इंट्रोडक्शन, इवन प्रीवियस जो क्लास था जीएसटी में वो जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन कर लिया। मतलब इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर जीएसटी के बारे में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नोट सबके पास है ना सर, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन एरिया का नोट्स? अगर किसी के पास नहीं है प्लीज मेरे को एक बार याद दिलाना, मैं शेयर करूंगा। अगर नहीं, अगर बाई चांस मैंने शेयर नहीं किया तो। नहीं किया क्या ये इंट्रोडक्शन का नोट्स आप लोगों को? ना सर पाई नहीं। बस नहीं तो बोलते हुए तो तारे रिवाइज कुछ चीज की करे, आई भी चाहिए करे दिए थी। अच्छा तो प्लीज मेरे से नोट्स एक बार ले लेना इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन बहुत वाइटल है सर, ये जो 3-4 क्लासेस है जीएसटी इंट्रोडक्शन में, जहाँ पर जीएसटी का पूरा हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट कंडीशन तक आपको समझाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ क्वेश्चन मैथ्स भी करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में। मतलब बेसिक मैथ्स एज वेल एज थोड़ा सा एडवांस लेवल मैथ्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, क्या 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 चीज़ जीएसटी के अंदर इंक्लूड होता है, मतलब किस किस प्रोडक्ट में जीएसटी आता है, किस प्रोडक्ट को जीएसटी के बाहर रखा गया है, कौन से प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर इंक्लूड करने का इच्छा है जीएसटी काउंसिल को, कौन सा प्रोडक्ट जीएसटी काउंसिल इंक्लूड करना चाहता है पर इंक्लूड कर नहीं पा रहे, कौन सा प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ सर, काउंसिल चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, कौन सा प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा हॉट डिस्कशन है। लास्ट वीक केस स्टडीज किया था मैंने आप लोगों से, बोलो सर जल्दी बोलो। हाँ सर तेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल, विशाल क्या बोल रहा था? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, हाँ वेरी गुड सर, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर आ जाते हैं आपका पेट्रोल डीजल सभी कुछ आ जाते हैं। तो पेट्रोल डीजल के ऊपर लास्ट वीक केस स्टडीज था, इवन रिसेंट ट्रेड में निर्मला सीतारमन जी रिसेंटली मीटिंग भी किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि जीएसटी पेट्रोल डीजल के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया सर। इवन आई डोंट थिंक कि कमिंग 5 ईयर्स में होगा, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज लास्ट क्लास के केस स्टडीज में हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था कि अगर ऐसा होता है तो फिर गवर्नमेंट को, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट को एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये सब डिस्कशन लास्ट वीक केस स्टडीज भी हुआ था, रिसेंट टाइम के ऊपर बेस करके भी, और साथ में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेवल में कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल में क्या बोला था वो देखा था। लेकिन सर अभी क्या करना है, अभी इंट्रो नहीं है सर, अभी हम लोग जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा डीप डाइव करेंगे। डीप डाइव इन द सेंस, जैसे कि मानो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस में लगता है, जैसे कि इसका जो नाम है इसी से आप लोगों को पता चल जाता है, जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट क्वेश्चन इज दैट कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमसे लेगा कौन? गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, हमसे जीएसटी चार्ज करेगा। किसके ऊपर? जो लोग बिजनेस करेगा उसके ऊपर, ठीक है, गुड्स पे, सर्विस पे, कंज्यूमर के ऊपर भी जीएसटी चार्ज करते हैं। नाउ बिग क्वेश्चन इज दैट कि ये जीएसटी चार्ज करेगा कब, मतलब ऐसा कौन सा घटना घटेगा जिसके कारण इनको जीएसटी चार्ज करना है। इसको बोलते हैं सर सप्लाई, मतलब ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। पहले मतलब जीएसटी का जो जमाना है, ये जो जमाना चल रही है जीएसटी का जमाना, कब से चालू हुआ है सर ये जमाना? ये जो जमाना चल रहा है ये जीएसटी का जमाना है, ये जमाना कब से चल रहा है? 2017 1 जुलाई है ना, जब से जीएसटी मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है। 16 में इसका एक्ट पास हो गया था, 17 से ये गाड़ी चल पड़ा इसका। लेकिन बिफोर दैट जीएसटी करेंटली जो है, इससे पहले का जो है सिचुएशन, दैट इज वैट का दौरान का बात कर रहा हूँ सर, उसमें वैट था, सर्विस टैक्स था, फिर आपका सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी का कॉन्सेप्ट आज भी थोड़ा सा है, बट वो सब जीएसटी में कन्वर्ट हो जा रहा है सर। ऑलरेडी सभी चीज़ जीएसटी के अंदर क्या हो गया सर? सबसम हो गया, सबसम मतलब जोड़ दिया गया, सब जीएसटी के अंदर आ गया। मतलब ऐसी बेसिकली आप लोग जानते हो सर, जीएसटी का एक ही नारा है, गवर्नमेंट का एक ही नारा है ये एक्चुअली जीएसटी का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आप डेवलप इकोनॉमी में सोचते हो तो फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल करा किया था सर फ्रांस ने, फ्रांस ने इसको बहुत अच्छे से अप्लाई किया था
अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है ये, इनकम टैक्स नहीं सर, दिस इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब बिजनेस में सेल्स पे टैक्स चार्ज किया जाता है, इन सिंपल सेल्स पे टैक्स चार्ज किया जाता है, चाहे गुड सेल करो चाहे सर्विस सेल करो। तो ये एक ऐसा टैक्स है सर जो करेंटली इंडिया का, क्या बोलूँ सर, इंडिया का मतलब बंगाली में बोलूँ तो बेसिकली सिरदाड़ा, मतलब इट्स स्पाइनल कॉर्ड है सर, मतलब अगर जीएसटी हट जाए ना तो गवर्नमेंट पागल हो जाएगा, अगर बाई चांस कल ऐसा हो जाए कि नहीं जीएसटी चार्ज बंद हो जाए तो गवर्नमेंट पागल हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट का जो अर्निंग है सर ये जीएसटी पे बहुत डिपेंड करता है। तो अब गवर्नमेंट अर्न तो करेगा, गवर्नमेंट को फंड चाहिए, टैक्स से कलेक्शन करना है, टैक्स कलेक्शन करके गवर्नमेंट को अर्निंग करना है, बट कौन सा स्टेज है जहां पर जस्ट जीएसटी कलेक्शन के बारे में वो बात करेगा, मतलब ऐसा कुछ तो घटना घटेगा ना, तो इसको बोलते हैं सर सप्लाई। ओके, ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था सर, इसीलिए मैं इतना ज्यादा आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब भैट के टाइम पे अलग बात होता था, भैट उस टाइम पे क्या होता था, भैट का अलग कारण, सीएसटी का अलग कारण, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स का, आपका सर्विस टैक्स का अलग कारण, सबका अलग अलग रीजन हुआ करता था, हम लोग वैसी इसी तरह से हम लोग भी पढ़ते थे, बट अभी सिचुएशंस बदल गया, अच्छा हुआ सर, क्योंकि गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स लेना है लो, बट इतना सारा डिपार्टमेंट बना के लोगे ना तो दिमाग खराब, जितना डिपार्टमेंट उतना ज्यादा क्या करप्शन भी बोल सकते हो, उतना ज्यादा रेड टैप, रेड टैप समझते हो ना, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का परमिशन लेते लेते दिमाग खराब, हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना मतलब एक अलग प्रॉब्लम, कोई किसी के साथ सेटलमेंट नहीं करता, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था पुराने सिस्टम में, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो आप परचेस के टाइम पे टैक्स देते हो और सेल के टाइम पे क्या करते हो, टैक्स कलेक्ट करते हो, तो गवर्नमेंट आपको बोलता है जब सेल करते हो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट को तब आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को, मैंने जब परचेस के टाइम पे जो टैक्स मैंने दिया था वो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्रेडिट ले सकता हूँ, इसको बोलते हैं सर इनपुट क्रेडिट। परचेस टैक्स मतलब इनपुट टैक्स, सेल टैक्स मतलब आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट टैक्स एक्चुअली आपको देना है, बट अगर आपका कुछ इनपुट टैक्स है जो आपने गुड्स परचेस करने के टाइम पे लिया था वो आपको क्रेडिट मिल जाता है, एडजस्टमेंट, ये सब हम लोग बेसिक में भी सीखे थे और आगे भी चर्चा होगा, जब इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्कशन डिटेल्स में होगा तब भी चर्चा होगा, इसको इन सिंपल कहा जाता है आईटीसी। सर आईटीसी वैट के टाइम पे नहीं था, था सर आईटीसी वैट में होता था, बट वहां पर एक प्रॉब्लम था, वैट के साथ सीएसटी एडजस्ट नहीं करता था, कोई कोई शायद बीकॉम में भी पढ़े होंगे, ठीक है, वैट के साथ सीएसटी एडजस्ट नहीं करता था, वैट के साथ सर्विस टैक्स एडजस्ट नहीं करता था, एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम था, बिकॉज वही प्रॉब्लम एक ही है, मतलब वन मेकानिज्म नहीं है, वन नेशन वन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कैसे करेंगे सर। तो ये सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट जो है ना सर, सप्लाई अंडर जीएसटी, बड़ा मजा आएगा सर, चलो आपसे आज बात करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी पे, आपको डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। अच्छा, इन द मीन टाइम अनुज गुड इवनिंग सर, एंड नील गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ओके, तो चलो सर जीएसटी का सेकेंड टॉपिक का डिस्कशन है, सेकेंड चैप बोल सकते हो आप इसको, जिसका नाम है सर सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है, ये नोट्स मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी का जो डिटेल्स नोट्स है डिटेल्स भी शेयर करूंगा, और साथ में आपको मैं जो क्लास नोट्स है, जैसे ये हमारा क्लास नोट्स है, ये क्लास नोट्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा, तो और इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा, और इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आपको घर में सॉल्व करना है, वहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकता है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम सिस्टम, ठीक है, जिसका एमसीक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस करे, साथ में नॉलेज भी गैदर करते जाए, और जिसका सब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव के साथ भी अपना प्रैक्टिस बनाते जाए। ओके सर, तो एक सेकेंड मैं आपको अभी समझाता हूँ सर, तो ये सब फ्लो चार्ट वगैरह भी समझा जाएगा कि सप्लाई कैसे क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले सर, अच्छा स्क्रीन शेयर है ना रे, विशाल दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज इससे पहले जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है, ये सेकंड है, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो अगर मैं शेयर कर लूंगा तेरे साथ तो एक बार जस्ट गो थ्रू करना, जिसका भी इंट्रोडक्शन का क्लास मिस है सर प्लीज एक बार अच्छे से, तीन चार क्लास है इंट्रोडक्टरी लेवल में, काफी डिटेल्स है सर इंट्रोडक्शन, मतलब ऐसा नहीं सोचने की एक क्लास का इंट्रोडक्शन नहीं है, 4000 क्लास का इंट्रोडक्शन है, तो इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज चार क्लास में इंट्रोडक्शन में आप मान सकते हो कि पूरा जीएसटी पढ़ लिया हम लोग, इंट्रोडक्शन भी पूरा जीएसटी पढ़ ली, अगर कोई समझना चाहता है ना कि पूरा जीएसटी, तो चार क्लास में पूरा जीएसटी बोला हुआ है, अगर कोई समझना चाहता है तो, ठीक है, लेकिन वही थोड़े डिटेल्स बात करना है। तो डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, तो जो मेन आज का हीरो कौन है, आज का हीरो है सप्लाई,
ओके, हीरो मान लो, हीरोइन मान लो, ठीक है, हीरो है सप्लाई, ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी, इसका स्कोप क्या है, एक्सप्लेन वही तो करना है सर। तो अंडर जीएसटी सप्लाई इज कंसिडर्ड अ टैक्सेबल इवेंट फॉर चार्जिंग टैक्स, मतलब बात एकदम ध्यान से सुनो, टैक्स चार्ज करना है उसके लिए सप्लाई होना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब यही है कि सर अगर सप्लाई नहीं होगा तो क्या टैक्स चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन वही तो बड़ी बात है ना सर कि कब मानेंगे कि सप्लाई हुआ है। इन सिंपल, दुकानदार आपको गुड सप्लाई करता है, आप दुकानदार से प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपसे टैक्स लेता है, सर हम लोग टैक्स नहीं देते। अरे देते हो सर, वो लोकल दुकान में नहीं देते हो, वो तो प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस कर देता है, बट किसी किसी दुकान में आप जाते हो, जैसे मोबाइल खरीदने जाते हो, जैसे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, तो वो जीएसटी इंक्लूड करता है। अभी पूजा का टाइम है, शॉपिंग करते हो, जीएसटी दे रहे हो कि नहीं दे रहे? अरे मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हो, अमेजन से शॉपिंग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, और भी कितना सारा है, दे रहे हो ना जीएसटी। तो सप्लायर आपको सप्लाई किया, सप्लायर ने आपको सप्लाई किया और आपने उनको जीएसटी दे दिया, ये तो कंज्यूमर के साथ, मतलब ये बेसिकली बी टू सी हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, दो तीन तरह का बात चलता है ना सर, एक बी टू बी भी होता है ना, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इस केस में भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, और एक है सर बी टू सी, यहाँ पर भी जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, एक सी टू सी भी होता है, कस्टमर टू कस्टमर, वो वेलेक्स टाइप का, ठीक है, छोड़ो सर, वेलेक्स में क्या होता है, सी टू सी ना, मतलब कस्टमर कस्टमर को मीट करता है और सेल करता है, हाँ अल्टीमेटली एक जन बिजनेसमैन बन ही जाता है उस टाइम पे। तो सवाल क्या है सर, सवाल बड़ा सिंपल है सर, आपको पहचानना है सप्लाई, आपको पहचानना क्या करना है, पहचान कौन में क्या कौन है सर, आपको पहचानना है सप्लाई क्या है। तो अंडर जीएसटी सप्लाई इज कंसिडर्ड अ टैक्सेबल इवेंट फॉर चार्जिंग टैक्स, सर क्या ये पहले नहीं होता था, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, पहले नहीं होता था, सच में पहले नहीं होता था, मतलब 2017 से पहले ये सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होता था, मतलब इतना बड़ा चेंजेस, यस सर इतना बड़ा चेंजेस, ओके, इसीलिए तो जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट भी पागल होता रहता है ना सर, आप लोग तो, मैं गवर्नमेंट पाइपलाइन तो आपको मैं बताता रहता हूँ हमेशा, हाँ गवर्नमेंट पाइपलाइन, गवर्नमेंट पाइपलाइन क्या है सर, ये देखो द गवर्नमेंट्स मनी पाइपलाइन, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, 1 ट्रिलियन अगर गवर्नमेंट कमाते हैं, 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ अगर गवर्नमेंट को कमाना है, तो अगर जैसे मानो कि ये 2019-20 का डेटा है सर, इंडियन बजट से मिला था, 33.5 ट्रिलियन का गवर्नमेंट का ग्रॉस रिसीव था, इसमें से स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया था 6.5 ट्रिलियन और टोटल नेट रिसीव हुआ था 27 ट्रिलियन। तो कहने का मतलब है कहाँ से कितना कमा रहा है, जीएसटी से 6.1 ट्रिलियन सर, 1 लाख करोड़ इक्वल्स टू 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1 लाख करोड़। अब आप समझ लो कि 6.1 ट्रिलियन मतलब क्या है, रिसेंट डेटा आप मतलब गो थ्रू करोगे ना ऑनलाइन में, आपको दिख जाएगा जीएसटी का काउंसिल के साइड में, जीएसटी गवर्नमेंट का जो जीएसटी का साइट है वहाँ से सब डेटा मिल जाता है सर, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो कितना गवर्नमेंट को इनकम हो रहा है जीएसटी से, फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स 6.1 ट्रिलियन यहाँ से आता है, इनकम टैक्स से आ जाता है सिर्फ 5.5 ट्रिलियन, काफ़ी कम है सर, इनकम टैक्स बहुत खराब है हमारा, तो गवर्नमेंट इसीलिए तो इनडायरेक्ट टैक्स वाला जगह ढूंढ लिया, इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स है ना सर, डायरेक्ट मतलब आप कमाओ आप टैक्स दो, ठीक है, आप कमाओ आपका इनकम आप बताओ और साथ में टैक्स भी दे दो। लेकिन जीएसटी क्या है, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब आप कमाओ ना कमाओ आपको देना पड़ेगा, अरे आप इनकम करो ना करो आपको देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स का ऐसा टैक्स है सर जो भिखारी भी देता है, क्या मैं सही बोला सर, इनडायरेक्ट टैक्स भिखारी देता है कि नहीं देता, पहले भी शायद बोला मैं क्लास में, जो भिक्षुक होते हैं जो बेगर होते हैं वो भी देता है ना इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, जैसे मानो एक बेगर को भूख लगा है, ठीक है, या फिर बेगर का जो बच्चा है उसको भूख लगा है, सारा दिन बेगरी करके उनको 12 रुपया मिला है, जो बच्चा है उसको, ठीक है, 12 रुपीज, एक मैगी पैकेट जाके खरीद लेता है 12 रुपये में, तो क्या लगता है 12 रुपये में मैगी पैकेट खरीदा तो क्या जीएसटी पे किया, अरे एक 12 टका का मैगी पैकेट खरीदता है तो क्या बेगर का बच्चा जीएसटी पे कर रहा है यहाँ पर, है दादा, हाँ, या फिर वो नारा लगाएगा मैं भिखारी हूँ मेरे पे भी टैक्स, हाँ सर भिखारी पे भी टैक्स, ठीक है, बिकॉज वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस करके ही प्रोडक्ट का दाम लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने अच्छा सोचा सर, इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था ना सर, उस टाइम पे ना गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम नहीं लगा पाया था, बिकॉज उस टाइम पे गवर्नमेंट कंट्री को जितना सस्ते में चला सकता है वही सोचता था, बिकॉज कंट्री में इनकम प्रॉपरली, पब्लिक का ही इनकम नहीं था, बिजनेस तो था ही नहीं प्रॉपरली, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ज़्यादा ये सब इनडायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता था, वो सिर्फ इनकम टैक्स में सोचता था कि जो
प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होता था, जिनका जितना प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा और सरकार चलेगा। लेकिन धीरे 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 स्पेशली आफ्टर 1990 के बाद, जब से ये LPG वाला कॉन्सेप्ट आया है, उसके बाद से गवर्नमेंट के दिमाग में ये सब चीज़ खेलता गया। लेकिन 90s में भी कुछ नहीं हुआ, 2000 के बाद से ये सब चीज़ बात बना। अटल बिहारी जी का सरकार था उस टाइम से, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया। उसके बाद चिदंबरम ने UPA गवर्नमेंट में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया था, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली इतना सारा सरकार आया गया, एक्चुअली क्या है, मेजोरिटी गवर्नमेंट था नहीं, तो GST को लेके जानते हो सर, हमारा पार्लियामेंट मतलब सर वर्ल्ड का मतलब एक अनोखा पार्लियामेंट है। मतलब कोई देश के बारे में कौन क्या सोचता है मुझे नहीं पता, बट सिर्फ हल्ला होता है। तो वही हल्ला होते 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 2017 हो गया, हल्ला होते होते 2017, 2000 से चालू हुआ था, 17 में जाके खत्म हुआ, तब जाके GST इम्प्लीमेंट हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो सर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दिया GST का इम्पोर्टेंस, गवर्नमेंट के लिए GST का इम्पोर्टेंस, कि कितना पैसा कलेक्ट वो करता है GST के थ्रू से। तो इसलिए GST समझना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग जाने GST के बारे में, GST प्रैक्टिशनर बढ़े हमारे देश में, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CMA, लॉयर्स, इनको ज़्यादा नॉलेज हो, बिकॉज ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ता है और ये खुद पढ़ेगा, प्रैक्टिस जमाएगा, दुकानदारों को समझाएगा, कभी ज़रूरत पड़ने से थोड़ा सा डराएगा भी कि भाई GST फाइल कर लो नहीं तो रेड हो जाएगा, कुछ भी करो, बट अल्टीमेटली लोगों के अंदर GST का जो कंसर्सनेस है वो बढ़ाओ, ठीक है। GST कंसर्सनेस बढ़ाने से दुकानदार लोग क्या करेगा सर, रजिस्टर्ड बनेगा, दुकानदार रजिस्टर्ड बनेगा तो GST पेमेंट का मतलब चांसेस बढ़ेगा, और जितना GST चांसेस बढ़ेगा उतना कंट्री का इनकम बढ़ेगा। तो इसीलिए आप लोग कौन बन गए सर, नेशन बिल्डिंग का पार्ट बन गए। कौन बोलता है सर कि सिर्फ आर्मी वाले देश का सेवा करता है? हाँ, आर्मी का पेमेंट तभी मिलता है जब देश के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी देश का इकोनॉमी को, देश के फाइनेंस को संभालते हैं। मजाक नहीं कर रहे सर, मैं हमेशा नॉर्मली आर्मी वाले, BSF वाले के बारे में बहुत बोल देता हूँ, आप लोग भी बोलते हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि जो बॉर्डर में है वही देश का सेवा करता है। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देश का सेवा नहीं करता? क्या एक CMA देश का सेवा नहीं करता? क्या एक कंपनी सेक्रेटरी देश का सेवा नहीं करता? क्या ये LLB क्या वो सेवा नहीं करता? सब अपना सर्विस दे रहे हैं सर, ठीक है। अगर ये लोग यहाँ पर GST का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकम टैक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कलेक्शन होता है, और तभी जाके गवर्नमेंट सबका तनख्वाह दे सकता है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकता है, देश को डिफेंस में संभाल सकता है, ऑल डिपेंड्स। तो देशभक्ति का मतलब सिर्फ बॉर्डर में जाके गोली खाना ही नहीं होता, ठीक है, वो गोली चलाने का, गोला बारूद का पैसा जुगाड़ करना भी होता है। हाँ सर, क्या ऐसा कभी सोचे होंगे क्या आप लोग? अरे आप लोगों को क्या लग रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ सर, CMA वाले में देशभक्ति कहाँ से आ गया? अरे आप लोग जरूर सोच रहे हो सर, आपका दिमाग खराब हो गया। ओके, कोई बात नहीं, दिमाग मेरा खराब होने दो, आप लोग सही रखो। देखो, डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट ए ट्रांजेक्शन फॉल्स अंडर द मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो GST अगर गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया सर, सप्लाई ढूंढना, आपको सप्लाई ढूंढना है। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दस डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट ए ट्रांजेक्शन फॉल्स अंडर द मीनिंग ऑफ सप्लाई, दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई है या नहीं है ये देखना है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है सर, क्या हर एक ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है? यस सर, हर ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है, हर लेन देन सप्लाई नहीं है। आप लोग अकाउंटेंसी में जो भी ट्रांजेक्शन कर लोगे, वो हर एक ट्रांजेक्शन को GST वाले सप्लाई नहीं मान सकता। आप समझ रहे हो सर, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, हर ट्रांजेक्शन को सप्लाई नहीं बोल सकते। तो इसीलिए सप्लाई अंडर GST आपको समझना होगा। ओके, इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड GST एप्लीकेबिलिटी। अगर आप सप्लाई समझोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा कि GST एप्लीकेशन है या नहीं है, मतलब उसमें GST लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सर चलो धीरे धीरे प्रैक्टिकली बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, GST से पहले क्या था जो मैं आपको स्टार्टिंग से तब से बता रहा हूँ, अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम एस्टवाइल देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। पहले सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था सर। द स्टेज एट विच इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लिवाइड वैरिड अंडर डिफरेंट टैक्स लॉस। सब अलग अलग टैक्स लॉस का अलग अलग रूल्स होता था। जैसे एक्साइज ड्यूटी कब लगता था? एक्साइज ड्यूटी वॉज चार्ज ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एक्साइज किस पे लगता है? जब मैन्युफैक्चरिंग होता है और गुड्स गोडाउन से निकल के फैक्ट्री से निकल के गोडाउन की तरफ जाता है, वेयरहाउस की तरफ,
फैक्ट्री से गुड्स को निकाल के जैसे आप वेयरहाउस की तरफ लेके जाते हो आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, आज भी है थोड़ा बहुत बट जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो गया अभी, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी वॉज चार्ज्ड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वेयर दे वर टेकन आउट ऑफ द फैक्ट्री, आज भी होता है बट वो जीएसटी हो गया, तो लेकिन कॉन्सेप्ट अलग था, तब मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स देना पड़ता था, बट अभी ऐसा नहीं बोला जा रहा है, अभी मैन्युफैक्चरिंग पे जीएसटी देना पड़ता है। सर्विस टैक्स वॉज लिवाइड बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स नोन एज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, नोन एज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। ये हम लोग जब सर्विस टैक्स, हम लोग के टाइम पे सर्विस टैक्स हुआ करता था, तो आपको सर्विस टैक्स कब लगता था? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, ये एक अलग कॉन्सेप्ट था, अभी जरूरी नहीं है, छोड़ो। अच्छा, रूल्स फॉर सर्विस रेंडर्ड, तो सर्विस का रूल्स भी कुछ होता था कि सर्विस टैक्स लगाने के लिए सर्विस का कुछ अलग रूल्स है। वैट वुड अराइज ऑन द वैल्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, वैट किस पे लगता था? जब गुड्स सेल करना है, सर्विस सेल करना है, तब वैट लग जाता था, स्पेशली इंटर स्टेट में वैट, सॉरी मतलब सेम स्टेट के अंदर वैट, और जब स्टेट चेंज होता था तब सीएसटी लगता था सर, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके, कितना सारा चीजें था सर, जो मैंने इंट्रोडक्शन और जीएसटी में ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ओके, द प्रेजेंट सिस्टम हैज मर्ज ऑल टैक्सेस टू मेंटेन सिंगल टैक्सेशन इवेंट, मतलब करेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है वो सारा का सारा टैक्स मर्ज होके एक सिस्टम आ गया, दैट इज जीएसटी सिस्टम। ओके, यही जीएसटी का सबसे बड़ा पावर है कि सब चीज छोड़ो, वन नेशन वन टैक्स बना दो। ओके, तो इस पर्टिकुलर नोट्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी, एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई एंड टाइप्स एंड द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्सेबिलिटीज। मजा आएगा सर, बड़ा मजा आएगा सर, मजा ना भी आए तो जबरदस्ती बोल बोल के मजा ना लाया करो, मजा किरकिरा हो जाता है। ठीक है सर, मजा किरकिरा नहीं करना है मुझे। अच्छा, व्हाई, व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी, सिंपल सी बात है, सप्लाई इंक्लूड्स सेल। कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? बोलो सर, बोलो। हाँ सर, किसी का अनम्यूट हुआ था, कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, वो गलती से हाथ लग गया था। अच्छा ठीक है, चलो, गलती से मिस्टेक, ठीक है सर। सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। मतलब दिमाग खराब हो गया सर, सप्लाई का मतलब सप्लाई होता है, मैंने किसी को कुछ दिया, दैट इज सप्लाई, दुकानदार ने कस्टमर को सेल किया, सप्लाई, इतना समझ में आता है, बट आपने तो सप्लाई में लाइन लगा दी। मैंने नहीं सर, जीएसटी रूल्स ने बताया आपको, सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। इफ ए पर्सन अंडरटेक्स आइदर ऑफ दीज ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर इनमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट कोई यूज कर रहा है और यूज करने के पीछे का मकसद क्या है, मकसद क्या है सर, मकसद समझते हो ना, मकसद मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को आगे लेके बढ़ाना। ओके, मतलब अल्टीमेटली उसको बिजनेस करना है, और बिजनेस के लिए वो क्या क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, बार्टर सिस्टम में आ सकता है, लाइसेंस ले कर सकता, लाइसेंस देना लेना देना कर सकता है, रेंटल सिस्टम में आ सकता है, लीज दे सकता है, डिस्पोजल कर सकता है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट फुलफिल हो जाता है और उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन, ओके, इट विल बी कवर्ड अंडर द मीनिंग ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। कितना बड़ा बात कर दिया सर, हाँ, एक आध बात नहीं सर, इतना बड़ा बात कर दिया सप्लाई अंडर जीएसटी में। चलो सर, थोड़ा प्रेजेंटेशन करके देखते हैं, दिखाई दे रहा है सर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में, थोड़ा देखने में सुंदर लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा कलरफुल कलरफुल बात करेंगे अभी। सर आप लोग लीज के बारे में तो सुने होंगे, अरे लीज के बारे में सुने होंगे, नहीं सुने? हाँ सर, यस, लीज सुने होंगे, ट्रांसफर भी सुने होंगे, हाँ सर, एक्सचेंज भी सुने होंगे, बार्टर भी सुने होंगे, लेकिन सबसे एक चीज आपको जब भी सप्लाई के बारे में बताया गया आपके दिमाग में एक ही चीज चला होगा, सेल, है ना, सभी के दिमाग में इन सिंपल यही चीज चलता है कि सप्लाई मतलब सेल, और क्या, सेल करोगे जीएसटी दोगे, टैक्स दोगे, इसलिए तो सेल टैक्स नाम हुआ करता था, अभी भी है, रास्ते में गाड़ी पकड़ता है ना कौन, सेल टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, हम लोग आजकल जीएसटी डिपार्टमेंट उतना नहीं बोलते, अभी भी जो लोग ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करता है, जैसे मेरे फैमिली बिजनेस है सर, चाचा पापा यही सब करते हैं, तो बचपन से वो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, जब भैट आया था तो ऐसा नहीं बोलता था भैट वालों ने पकड़ा लिया, वो लोग एक ही बात करते हैं, सेल टैक्स वालों ने पकड़ लिया, ठीक है, बेलेघाटा में सेल टैक्स ऑफिस है, ठीक है, वो ऐसे ही बोलेगा कि सेल टैक्स वालों ने पकड़ लिया, तो
सेल से ही मेनली इसका मेन जन्म हुआ था, तो लेकिन सेल का बहुत सारा मतलब है यहाँ पर। तो सेल का मतलब क्या हो गया, सिंपल, ये इनकम टैक्स में भी इसके बारे में पढ़ते हैं सर। ट्रांसफर का मतलब किस में पढ़ते हैं बोलो तो, इनकम टैक्स में एक चैप्टर में हम लोग ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं, कोई बता सकता है सर कौन से चैप्टर का बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर आपको जानना जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज ट्रांसफर, मतलब व्हाट इज, हाँ वहाँ पर ट्रांसफर बोला जाता है लेकिन ट्रांसफर का अलग अलग मतलब निकलते हैं, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें काम आता है, कैपिटल गेन चैप्टर में बहुत जरूरी होता है। छोड़ो सर अभी छोड़ो, अभी जीएसटी में ध्यान दो। अच्छा, तो सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, अगर आपका गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो आप, मतलब इतना दिन गुड्स आपके पास था, अभी गुड्स किसी और के पास जा रहा है, जैसे कि दुकानदार, दुकानदार के दुकान में गुड्स है, किसी को सेल कर रहा है, तो उसका ओनरशिप चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी बोलो। दुकानदार में दुकान में गुड्स है, आपको आपको बेच दिया, तो ओनरशिप बदल गया कि नहीं गया? अरे यस यस ना, बस सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। ओके, तो इस तरह से सेल हो गया, डिस्पोजल सब बताते हैं सर एक एक करके। तो सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मतलब सेल का यूज बहुत है। अच्छा, लीज में सप्लाई कहाँ से नजर आ गया सर? लीज क्या होता है, जैसे मानो कि कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ राइट टू यूज फॉर ए पीरियड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मतलब आप किसी को कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे देते हो, से फॉर एग्जाम्पल मशीन लीज पे देते हो, ठीक है, तो अगर आपका कोई मशीन है, मशीनरी पार्ट्स है या कोई मशीन है, ठीक है, जैसे पोर्ट बिजनेस जो लोग करते हैं ना सर, पोर्ट का टर्मिनल होता है ना सर, जैसे अपने कोलकाता में टर्मिनल देखे हो सर आप लोग? अरे कोलकाता में जो पोर्ट है देखे आ गया आप लोगों ने कभी, हाँ, खिदिरपुर पोर्ट या हल्दिया पोर्ट देखा है क्या? यस सर, हाँ सर, यस सर, तो वहाँ पर आप देखना कि बहुत बड़ा बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर वगैरह रहता है ना सर, कंटेनर वगैरह देखना हल्दिया पोर्ट में, ऐसा इस टाइप का देखने में होता है, कंटेनर होता है, क्रेन होता है, ठीक है, ये सब जो चीज़ें आप देखते हो ना, मैक्सिमम केस में ये जिनका ओनरशिप में चलता है, मतलब जो भी ये कंटेनर का जिसका है वो क्या करता है ना, मतलब जो बिजनेस करता है ना, वो कंटेनर को, ऐसा नहीं कि कंटेनर खरीद लेता है या फिर ऐसा नहीं कि क्रेन खरीद लेता है, नहीं, ये एक्चुअली लीज पे देता है, ठीक है। तो ऐसा एक कंपनी था, मुझे याद है जब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग में था, तो उस टाइम पे आपका क्या बोलते हैं उसको, एक फार्म था, टाटा का एक सब्सिडियरी कंपनी था, वो एक्चुअली ये सब लीज में प्रोवाइड करने का काम करता है, टाटा का सब्सिडियरी था, नाम याद नहीं आ रहा है, बट उसका ऑफिस था मोस्ट प्रोबली आपका, क्या नाम है जगह का, कैमाक स्टेट के आसपास ऑफिस है उसका। तो पॉइंट समझ में कुछ आ रहा है सब कि ये सब लीज में देते हैं, तो जब आप किसी को कोई, आपका कोई एसेट है, उसको अगर आप लीज पे प्रोवाइड करते हो, तो वो भी तो सप्लाई हो गया। अरे लीज पे क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, बट उस गुड्स को या प्रोडक्ट को यूज करने का पावर आ जाता है ना। आप किसी को, जैसे मानो कि तौथा का क्या है, पोर्ट का बिजनेस है, मतलब पोर्ट में वो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो फिर आपको कंटेनर चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे तौथा, मान ले कि तेरा मर्चेंट सीफ है, ठीक है, तो जहाज से, एक जहाज से दूसरे देश में प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, तो अगर तू ऐसा करता है तो तू क्या सोचता है कि तेरे को ये सब चीज़ें लेना पड़ेगा, कंटेनर के थ्रू से प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा। मान कि मैं प्रोडक्ट का ये सब एसेट का सप्लायर हूँ, तो मैं तेरे को क्या किया, लीज पे दे दिया, तू बदले में मेरे को एक रेंटल देता है, ठीक है, लीज का एक मतलब फीस मेरे को भरता है, सालाना एनुअली भर सकता है, या फिर 10 साल के लिए, 15 साल के लिए तूने लीज लेके रखा, ठीक है, तो वो लीज लेके, नॉट जस्ट ये सब चीज़ें, इवन पोर्ट भी लीज पे लिया जाता है, ठीक है, मतलब जैसे ये अपना अदानी है ना सर, अदानी क्या करता है, गवर्नमेंट से लीज पे ले लेता है, अदानी क्या करता है, गवर्नमेंट से लीज पे पोर्ट ले लेता है, और फिर वहाँ से जो भी बिजनेस होता है गवर्नमेंट को एक लीज का रेंटल अमाउंट दे देता है। नॉट जस्ट ये, इवन आप देख सकते हो कि माइंस वगैरह में भी लीज पे माइंस लिया जाता है, लीज पे माइंस समझते हो ना, जो जिसको हम लोग बंगाली या हिंदी में खोनी बोलते हैं, है ना, जो बेसिकली माइनिंग करके जहाँ से कुछ निकाला जाता है, तो ये सब भी चलता है सर, तो ये भी तो एक सप्लाई हो गया। कह रहे बात कुछ समझ में आ रहा है कि सर लीज को क्यों सप्लाई के अंदर इंक्लूड करना जरूरी था, बिकॉज इसमें करोड़ों का बिजनेस चलता है लीज के थ्रू से। बात कुछ पल्ला पड़ रहा है सर, मैटर कुछ समझ में आ रहा है सर? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर, बस एक हाँ के लिए, हाँ के लिए तड़प जाते हैं सर, ओके, ना के लिए भी, हाँ ना जो भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ राइट टू यूज फॉर ए पीरियड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल,
कॉन्ट्रैक्ट टू अलाउ राइट टू यूज फॉर ए पीरियड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने आपको उसका माइन यूज करने दिया या पोर्ट यूज करने दिया तो वो आपका हो गया. वैसा नहीं होता. टाइटल मतलब ओनरशिप आपका नहीं होगा, बट उसको यूज करने का जो राइट है लीज पे आप लेके रखे हो. ठीक है, इट्स लाइक अ रेंटल. इट्स लाइक रेंटल. ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी का भी होता है, लैंड का लीज है. कोई भी लैंड किसी का अपना नहीं है अपने देश में. मतलब जो लैंड एंड प्रॉपर्टी है ना, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल है सर. आप जिस लैंड पे रहते हो, आपका घर बना के, वो आपका पूरा नहीं है, वो एक्चुअली लीज पे है. गवर्नमेंट ने आपको लीज पे दिया है. किसी जगह में 999 ईयर्स का है, किसी जगह में 99 ईयर्स का है. ऐसा भी सिस्टम है, होता है ना सर? मुझे जितना पता है ऐसा सिस्टम है कि प्रॉपर्टी आपका नहीं है, गवर्नमेंट के साथ एक लीज पे चल रहा है. इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी अगर हो ना तो आपको प्रॉपर्टी से हटा सकता है. जब कोई बड़ा काम होता है तो गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ है प्रॉपर्टी पे. पहले सिस्टम था फंडामेंटल लॉ में, प्रॉपर्टी आपका होता था. बट आज के डेट में प्रॉपर्टी में आपका, प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है. प्रॉपर्टी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है. आप बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में ही, ठीक है, लीज में लेके रहते हो. शायद हम लोगों को पता नहीं चलता बिकॉज 999 ईयर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है. फिर भी सिस्टम तो वही है सर. क्लियर है ना सर? ट्रांसफर क्या हो गया सर? ट्रांसफर मतलब सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल. आप किसी को कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, गुड्स, या तो गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो या तो गुड्स का राइट ट्रांसफर कर रहे हो, बट उसमें आप ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं कर रहे हो. मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते. ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. मतलब ओनरशिप नहीं जाएगा बट गुड्स जाएगा, राइट भी जाएगा, दोनों हो सकता है. एक्सचेंज, ये भी एक होता है ना सर, एक्सचेंज. सर एक्सचेंज तो आप लोग जानते हो. कौन बताएगा मुझे एक्सचेंज का एग्जाम्पल? एक्सचेंज का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी बताओ. आप लोग जानते हो, बहुत यूज भी करते हो इसको. हाँ सर, एक्सचेंज का एग्जाम्पल बताओ. अरे एक्सचेंज का एग्जाम्पल, एक्सचेंज ऑफ सेलफोन. हाँ सर, सेलफोन एकदम, ठीक है, सेलफोन हो जाएगा. और कार, कार एक्सचेंज करते हो ना. आपके पास पुराना कार है, आप क्या करते हो? पुराना कार लेके जाते हो, स्पेशली मारुति सुजुकी वगैरह में. मैंने देखा मारुति सुजुकी वगैरह में कि आपके पास अगर ओल्ड कार है, आप ओल्ड कार लेके जाते हो और उसको बोलते हो कि न्यू मॉडल ले लेते हो, और बीच का जो है वो पैसे से सेटल कर लेते हो, है ना. मोबाइल फ़ोन तो करते ही हैं, ऑनलाइन में तो एक्सचेंज ऑफर चलता रहता है ना सर. अरे ऑनलाइन में मोबाइल फ़ोन का एक्सचेंज ऑफर चलता रहता है. आप कुछ एक्सचेंज में फ़ोन लेते हो, आपका ओल्ड फ़ोन एक्सचेंज करके न्यू फ़ोन लेते हो. तो सपोज एक 20,000 का फ़ोन लेना है जो न्यू फ़ोन है, ठीक है, और 5,000 आपका ओल्ड फ़ोन का कॉस्ट है. तो क्या करता है, 20,000 का न्यू फ़ोन, 5,000 का ओल्ड फ़ोन, ये एक्सचेंज हो गया, तो बाकी 15,000 क्या करना पड़ेगा सर? वो कैश में सेटलमेंट होगा. तो इक्विवेलेंट विद यूज ऑफ मनी, तो स्वैप और ट्रांसफर ऑफ एन इक्विवेलेंट विद यूज ऑफ मनी. पैसा का यूज होगा यहाँ पर. अगर पैसा का यूज नहीं होगा फिर भी एक्सचेंज चलेगा विदाउट एनी यूज ऑफ मनी, तो वो उसको बार्टर कहलाता है सर. उसको बार्टर कहलाते हैं, जो पुराने जमाने में यूज होता था, आजकल भी होता है, ठीक है, कंपनी के अंदर चलता है, बिजनेस टू बिजनेस भी चलता है. एक्सचेंज वन कॉमोडिटी फॉर अनदर विदाउट मनी. पहले के जमाने में जो इकोनॉमी होता था वो बार्टर इकोनॉमी होता था ना सर, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में. हाँ सर, जैसे हाथी के बदले घोड़ा, चावल के बदले गेहूँ, काइंड ऑफ, ओके, किसी चीज़ के बदले कोई दूसरा चीज़, सिमिलर वैल्यूएशन का, विदाउट मनी. पैसा का ट्रांजैक्शन कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉमोडिटी का एक्सचेंज होगा. क्या रे, होता है कि नहीं होता? है ना. तो ये बार्टर सिस्टम भी सप्लाई के अंदर आता है, ठीक है. एक्सचेंज तो हो ही गया, बार्टर भी हो गया, ये सभी सप्लाई है. तो आपको समझना पड़ेगा कि सप्लाई कब क्या क्या है. लाइसेंस, लाइसेंस का क्या बात करें सर? लाइसेंस तो आजकल हर चीज़ का, फ्रेंचाइजी लाइसेंस होता है ना सर. आपको अगर किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी है आपके पास, लाइसेंस है आपके पास, जैसे आप लोग जो लाइसेंस का, तो बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है कि परमिशन ग्रांटेड टू एक्सरसाइज सर्टेन प्रिविलेजेस, ठीक है. आपके पास कुछ परमिशंस होता है, जैसे प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग लॉयर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्ट कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर प्रैक्टिसिंग टैक्स कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग स्टॉक मार्केट एडवाइजर, सभी चीज़ का लाइसेंस मिलता है. तो वो लाइसेंस आपको दिया जाता है, वो लाइसेंस भी एक सप्लाई माना जाता है. ये इस, ये वाला छोड़ो, ये तो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है. सबसे बेस्ट जैसे मानो कि क्या बोले उसको, अरे आजकल जैसे हल्दीराम का फ्रेंचाइजी लिया आपने, ओके, या फिर किसी कार का डीलर बने, आपने किसी कार का डीलर बन गया, तो डीलर बना तो डीलर का लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके आप डीलर बन सकते हो. तो लाइसेंस आप खरीदते हो, लाइसेंस आप खरीदते हो. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल याद आ गया, स्पेक्ट्रम.
अरे स्पेक्ट्रम होता है कि नहीं होता, अरे ये जो नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं डेटा, ये डेटा के लिए जैसे मानो कि रिलायंस, ठीक है, मतलब अपना जियो का बात कर रहा हूँ, अपना एयरटेल का बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट से ये सब चीज़ें लाइसेंस लेता है, लाइसेंस लेके उसका पैसा देता है, उसमें वो भी सप्लाई है, वो भी सप्लाई है। गवर्नमेंट ने एक्चुअली लाइसेंस क्या किया, सेल किया, गवर्नमेंट एक्चुअली लाइसेंस सेल किया। जिसके पास लाइसेंस है वही नेटवर्क यूज, मतलब एक्चुअली पहले नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के बाद कस्टमर से पैसा लेके डेटा बेचेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जैसे मैं आपको माइंस के बारे में बोल रहा था, माइंस का भी ऐसा होता है, कोल माइंस है तो कोल का लाइसेंस, कोल माइन का लाइसेंस जिसके पास होगा वही कोल माइंस यूज करेगा, और फिर वहां से जो कोल निकलेगा वो निकल के मार्केट में सेल करेगा। हाँ, जैसे अदानी करता है, अदानी का ये भी बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया में भी कोल माइंस है अदानी का, ऑस्ट्रेलिया में भी कोल माइन का लाइसेंस लिया है, फिर वहां से कोल उठाते हैं और फिर इंटरनेशनली अलग अलग कंट्री को सेल करता है। बस यही तो है बिजनेस का कॉन्सेप्ट। तो लाइसेंस समझ में आ गया सर, ये भी सप्लाई के अंदर आ जाता है। रेंटल के बारे में क्या बताऊं, आप लोगों को पता ही है ना, रेंट, घर घर को रेंट पे देना, प्रॉपर्टी रेंट पे देना, ठीक है, फर्नीचर्स रेंट पे देना, पीरियडिकल पेमेंट फॉर द यूज ऑफ समवन एल्स प्रॉपर्टी, किसी और का प्रॉपर्टी यूज करने के लिए उसको रेंट देना, दैट इज ऑल्सो सप्लाई, दैट इज ऑल्सो सप्लाई। सेल तो पता ही है, डिस्पोजल, जब जब कोई एसेट्स को परमानेंटली सेल कर देते हो, मतलब यूज किया टू पार्ट विथ और एलियनेट, ओके, मतलब अलग कर देते हो कोई एसेट्स को, कोई एसेट्स को छोड़ देते हो, डिस्पोज कर देते हो, ठीक है। तो डिस्पोजल्स में भी बड़े बड़े एसेट्स में ना करोड़ों मिल जाता है, 100 करोड़ का एसेट्स है उसको डिस्पोज करने से भी 1 करोड़ आ जाता है, 10 करोड़ आ जाता है, 15 करोड़ आ जाता है, ठीक है, तो वो डिस्पोज करने से भी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो डिस्पोज करना भी सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो जाएगा सर, डिस्पोज करना भी सप्लाई के अंदर भी इंक्लूड हो जाता है। तो उसमें भी बहुत सारा चीजें होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है ना, वो डिस्पोज करके वो एक कोई कार का नाम याद आ रहा है सर, कार नहीं, बाइक, कौन बताएगा मुझे, एक बाइक है जो भारत का एक बहुत बड़ा शिप को, शिप जो बेसिकली नेवी में यूज होता था, INS विक्रांत, नहीं विक्रांत नहीं, जिसमें एक बजाज का बाइक बना गया सर, विक्रांत, विक्रांत, हाँ विक्रांत, हाँ सर, बाइक का नाम क्या है, बाइक का नाम ही विक्रांत है, बाइक का नाम सर बजाज वी, बजाज वी, समझ रहे हो सर, INS विक्रांत का पार्ट्स अलग करके बजाज, बजाज ने खरीदा उसको। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो नेवी सेक्टर्स है उसने क्या किया, सेल किया, है ना, बेसिकली वो डिस्पोज किया, वो डिस्पोज करके उसको बेचा, बजाज ने उससे परचेज किया, फिर उस पार्ट से उसने बजाज वी को बनाया। ऐसे गाड़ी का स्टाइल मेरे को अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है बजाज वी, अच्छा है क्या, मुझे नहीं पता, ऐसे पूछ रहा हूँ, मुझे डिजाइन खराब नहीं लगता, हड्डी लगता है। सर विक्रांत तो कंस्ट्रक्शन में है ना, विक्रांत कंस्ट्रक्शन, मतलब ये INS विक्रांत एक नेवी का शिप था सर, अभी भी नाम है, कंस्ट्रक्शन फिर हो रहा है सुना, फिर से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाँ वो तो होगा, मतलब INS विक्रांत अभी फिर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका मुझे आइडिया नहीं है सर, बट इतना मुझे पता है कि ये INS विक्रांत का कोई एक शिप था जिसको डिसमेंटल करके, डिस्पोज करके मार्केट में उसका पार्ट्स को सेल किया गया और उसी से बजाज भी बना, क्या यही कहानी है ना। अब अभी फिर से रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसका मुझे अभी नॉलेज नहीं है सर, आप लोगों के पास हो तो आप मुझे अपडेट कर सकते हो। अच्छा सर बोलो सर, डिस्पोजर्स, डिस्पोज का मतलब समझ में आ गया ना कि क्यों ये सब छोटा छोटा, मतलब छोटा नहीं बोल सकते, मतलब ये सब टर्म्स को इतना इंपॉर्टेंस ही क्यों दिया गया GST में। सप्लाई का मतलब सिर्फ सेल नहीं हो सकता, सप्लाई का मतलब ये सभी चीजें हो सकता है, नहीं तो अगर मानो कि GST लॉ सिर्फ सेल को सप्लाई बोल देता तो बाकी ये सब जो अलग अलग पॉइंट्स आपके सामने मैंने अभी रीड किया, ये लोग क्या बोलते, भाई ये सब तो सेल नहीं है तब GST नहीं लगाना है, बात समझ में आया, सिर्फ सेल पे GST लगता और बाकी चीज पे GST का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, बट ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं सर, है ना। तो इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सप्लाई मतलब क्या है, ओके, तो ये लिस्ट एक बार बाद में जरूर गो थ्रू करना, ओके सर। एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई में बात करें अभी, ओके, तो सप्लाई हैज टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सप्लाई का दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एक सप्लाई इज डन फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई हमेशा किसी कंसिडरेशन के बदले होगा, मतलब सर एवी एवी नहीं होगा, एवी एवी मतलब, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट भी जानते हो आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको सिखाते हैं,
विदाउट कंसिडरेशन कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये बिजनेस की बात है। तो कोई बिजनेस थोड़ी ना फ्री में करेगा। हाँ रे, बिजनेस कभी फ्री में हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। फ्री में किस चीज का बिजनेस? फ्री में तो ऐसे दुनिया में कुछ भी चीज नहीं होता। फिर भगवान ने हमें फ्री में कुछ दिया है और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? सब कुछ काट के मार के खत्म करके हम लोग दुनिया को खत्म कर रहे हैं। और जैसे आज ही बात हो रहा था, ये जो हम लोग बॉटल खरीदते ना सर, 20 लीटर वाला पानी का बॉटल, ठीक है? तो कई भाई, बहुत बार मैंने ये मैम के साथ मेरा चर्चा चलता है कि मतलब गजब बिजनेस है सर। मतलब कहने का मतलब है, मेक क्राइसिस मेक मनी। पानी अच्छा खासा था सर हमारी सोसाइटी में, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट हम लोगों ने क्या किया? पानी को खराब कर दिया और फिर अभी उसी पानी को बेचने का बिजनेस चालू कर दिया। अलग बात, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकता है, बट मेन जो जीने का चीज है उसी को लेके अभी बिजनेस चलता है। क्या करें, ऐसा हालत कर दिया हम लोग एनवायरमेंट का। मतलब इंसान इंसान तो है नहीं, जानवर भी इससे अच्छा है। मतलब ऐसा है ह्यूमन बींग का नेचर। जो भी हो, छोड़ो सर, आप लोग गुस्सा हो जाओगे शायद। इवन गांव का लोग भी पागल हो गए, जानते हो? गांव का पानी कितना अच्छा है, लेकिन सबको लगता है कि शहर का लोग जो प्लास्टिक डब्बा वाला पानी पीता है वो ज्यादा अच्छा है। हाँ रे, जो रूरल लोग होते हैं ना सर, वो लोग भी आजकल शादी ब्याह करवाते हैं, घर में फंक्शन करवाते हैं, तो उसका जो तालाब का पानी तो नहीं पीते, नॉर्मली वो कुआं होता है, वेल का पानी पीते हैं और ट्यूब वेल का पानी पीते हैं। वो वाला पानी देना बंद कर दिया। कौन सा पानी देता है? ये 20 लीटर वाला डब्बा वाला पानी। स्टेटस बढ़ाता है सर। प्लास्टिक के जार में पानी दे के लोगों को पिलाने से शहर का समझ सकते हैं शहर का पानी खराब हो गया है। गांव को भी लगता है, रूरल एरिया को भी लगता है कि इसमें स्टेटस है। वो ऑयल से उठा के बाल्टी से डाल के, ठीक है, मग करके देने से उसमें स्टेटस नहीं है। ऐसा इसको बोलते हैं डब्बा दिमाग। हाँ सर, क्या बोलते हो? मैं तो यही समझता हूँ, इसको बोलते हैं डब्बा स्मार्टनेस। कोई स्मार्टनेस तो किसी के अंदर मुझे दिख नहीं रहा है। शहर का लोग तो है ही डब्बा दिमाग वाले, अब गांव का लोग भी उसी को कॉपी करने में सबसे उस्ताद है। छोड़ो सर, तो बेसिकली सप्लाई क्या है? सप्लाई इज डन फॉर ए कंसिडरेशन। सप्लाई हमेशा किसी चीज के बदले में होगा, ठीक है? और किसी चीज के बदले क्या होता है? वो बिजनेस है। कि बदले में कुछ हो तो वो बेसिकली फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। दूसरा पॉइंट हो गया, ये देखो, सप्लाई इज डन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दो पॉइंट, हाँ, एक समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, ठीक है? जैसे मानो एक दुकानदार, एक शॉपकीपर की दुकान में आप गए, उसके दुकान से आपने एक आटा का पैकेट खरीदा, ठीक है? आटा पैकेट के लिए शॉपकीपर ने आपको बताया कि भैया मेरा आटा पैकेट का दाम है 30 रुपीज़ केजी। 30 रुपीज़ केजी में आपने आटा पैकेट उनसे परचेज किया, तो बदले में आपने क्या दिया? पेमेंट किया ना सर, 30 रुपीज़। तो जो कस्टमर है, कस्टमर के तरफ से नहीं सोचना है, शॉपकीपर की तरफ से सोचना है। सप्लाई कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है कि शॉपकीपर कर रहा है? क्या रे, सप्लायर कौन है? शॉपकीपर। तो शॉपकीपर जब कस्टमर को सप्लाई कर रहा है तो कंसिडरेशन में उसको क्या मिल रहा है? 30 रुपीज ना। ऑब्वियसली कस्टमर को भी कंसिडरेशन है, दैट इज आटा। ओके, आटा रे, आटा, होल क्या बोलते हैं इसको, होल व्हीट ग्राम या फिर होल व्हीट फ्लावर क्या बोलते हैं? ओके, तो आटा मिल गया उसको, कस्टमर को मिल गया आटा और दुकानदार को मिल गया 30 रुपीज। तो दिस 30 रुपीज इज कंसिडरेशन फॉर शॉपकीपर। एंड ये पूरा का पूरा काम शॉपकीपर ने क्यों किया था? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए किया था, कि आपको ऐसे ही आटा फिर मतलब खाने के टेस्ट करने के लिए दे रहा था? अरे, टेस्ट करने के लिए दे रहा था कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए दे रहा था? बोलो सर। Furtherance of business. तो ये सिंपल बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो सर, बात को और आगे बढ़ाते हैं। वेट करना सर, आगे धमाका आएगा, पटाखा आएगा। क्या बोलते हो सर, जीएसटी में धमाका पटाखा, दिवाली थोड़ी है। इफ द aforementioned एलिमेंट्स आर नॉट मेट विथ, अगर ये ऊपर वाला दो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सेल। ओके, अच्छा, मिस्टर ए बाइज a table, Mr. A buy a table for ₹10,000 for his personal use and sells it off after 10 months of use to a dealer. क्या इसको supply बोल सकते हो sir? Mr. A 10,000 रुपए से एक table खरीदा
और 10 महीना यूज करने के बाद वो किसी डीलर को ये टेबल बेच रहा है, इज दिस अ सप्लाई सर? यस सर। वो डिस्पोजल होगा ना सर? डिस्पोजल हुआ क्या? क्या सर? डिस्पोज कर दिया। यस yes, डिस्पोज तो कर दिया सर। होगा सप्लाई? सप्लाई होगा डीलर से, उसको भी पैसा मिलेगा ना सर? सर मिस्टर ए देखो सर, एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई देखो, वो तो हम लोगों ने देखा कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। यस आपने एकदम सही पकड़ा सर, बट सप्लाई का दो एलिमेंट है। सप्लाई इज डन फॉर ए कंसिडरेशन एंड सप्लाई इज डन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मिस्टर ए ने जो टेबल है वो टेबल 10,000 में सेल कर रहा है, ऑब्वियसली 10,000 इज कंसिडरेशन फॉर मिस्टर ए, बट क्या मिस्टर ए का बिजनेस है क्या ये? नहीं सर, लेकिन जिसको बेचा उसका है। सप्लाई कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो नहीं होगा सर। नहीं होगा, समझ गया। ओके, दिस इज नॉट कंसीडर्ड ए सप्लाई अंडर सीजीएसटी एज दिस इज नॉट डन बाय मिस्टर ए फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें कोई बिजनेस नहीं है, तो जिसमें बिजनेस नहीं है वो सप्लाई नहीं हो सकता, और अगर सप्लाई नहीं है तो फिर जीएसटी नहीं है। बात समझ में आया? सबको क्लैरिटी आ रहा है सर? बोलो। बस और क्या। यस सर, क्लैरिटी आने से ही बात बनता है। बोला ना सर, आगे धमाका आ रहा है, धमाके के लिए रेडी रहो सर। एक एक करके धमाका बढ़ता जाएगा, जितना मतलब स्टार्टिंग में जितना इजी बात हो रहा था, स्टोरी सुन रहे थे, अब धीरे धीरे स्टोरी आपको चिंता में डाल देगा। स्टोरी रहेगा बट स्टोरी चिंता में बदल सकता है, इसलिए बी रेडी। मिस्टर बी प्रोवाइड्स फ्री कोचिंग टू नेवरिंग स्टूडेंट एज ए हॉबी। ठीक है, कोई एक मिस्टर बी है, बड़ा अच्छा इंसान है, नेवर के बच्चे लोगों को फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट काम करते हैं। क्या इसको सप्लाई बोलेंगे सर? अरे मिस्टर डी जो फ्री कोचिंग तो है नहीं सर, कंसीडरेशन तो है नहीं कुछ। बस थैंक यू, पहला कंडीशन ही नहीं हुआ, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं किया, बिकॉज फ्री कोचिंग है तो कंसीडरेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये भी फुलफिल नहीं किया, तो कोई भी एंगल से ये सप्लाई नहीं लगता है। बात समझ में आ गया सर? ना ही कंसिडरेशन है और ना ही फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बस बात बन गया सर। ऐसा ही लॉजिक यूज करते रहे ना, बस बात बनता जाएगा। जीएसटी लॉ है, जीएसटी लॉ लॉजिक में चलता है। लॉ क्या है? लॉ इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड समथिंग इज मतलब समटाइम बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रूल्स। ओके, कभी कभी रूल्स का लॉजिक समझ में नहीं आता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना सर, रूल्स तो बना दिया बट लॉजिक समझ में नहीं आता, बट इन जनरली रूल्स लॉजिक के बेस में बना जाता है। ठीक है, लॉजिक तो है ना सर, बंदा फ्री में कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसमें सप्लाई किस बात का है ना? नहीं, गवर्नमेंट आके बोलेगा नहीं फ्री कोचिंग को भी जीएसटी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, थोड़ी ना ऐसा चलेगा सर। तब तो लोगों को फ्री देने में भी डर लगेगा कि भाई फ्री देने से भी गवर्नमेंट का लोग आके बोलेगा, मतलब वो ऐसा होता था सर, एक कोई कोई राजा के टाइम पे ऐसा होता था, कोई कोई गवर्नमेंट के टाइम पे ऐसा होता था, जैसे वो अपना क्या बोलते हैं इसको, मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में, या फिर आपका अपनों हम लोग, आप लोग एक बंगाली फेमस कैरेक्टर है हीरोक राजा हृदय से, नाम सुना सर? हीरोक राजा का नाम कौन कौन सुना है? yes, जो लोग बंगाली कल्चर के साथ कनेक्टेड हो, आई होप दे नो हीरोक राजा, सत्यजीत रॉय का क्रिएट किया हुआ बहुत ही फेमस कैरेक्टर है सर। अगर कभी मौका मिले, जो लोग नहीं सुने हो कभी, प्लीज़ देखना ये मूवी हीरोक राजा हृदय से। बंगाली समझते हो तो भी देखना, अगर नहीं समझते हो तो इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके देखना, बट देखना जरूर सर। ऐसा मूवी कभी देखने को मौका नहीं मिलेगा, मतलब इस तरह का मूवी को अगर मतलब हजारों ऑस्कर दे दिया जाए तो भी कम पड़ जाए, इतना ज्यादा बोल रहा हूँ सर। 1000 ऑस्कर भी मिले तो ऐसा मूवी और नहीं बनेगा, हीरोक राजा हृदय देखोगे ना आप लोगों को आज का जमाना का पता चल जाएगा, करेंट पॉलिटिकल सिचुएशन एवरीथिंग। मूवीज तो बच्चे लोगों के लिए बनाया गया सर, दिस इज ए चिल्ड्रन मूवी, बट आपको लगेगा कि एडल्ट मूवी है, एडल्ट इन द सेंस बड़े लोगों के लिए ज्यादा देखना चाहिए, मतलब एडल्ट इन द सेंस वो वाला एडल्ट नहीं सर, कहने का मतलब है कि एडल्ट को देखना चाहिए, मतलब जो बड़े लोग हैं सर, एज में ज्यादा है, ठीक है, एजेड पर्सन है, उनको ज्यादा देखना चाहिए ऐसा मूवी कि क्या चल रहा है वहां पर। वो हीरोक राजा गाँव में एक टीचर था सर, वो टीचर नाम नहीं याद आ रहा है, अगर किसी को याद आ रहा है तो बोल सकते हो, सौमित्र चैटर्जी वो रोल किया था मेरे को याद है। तो वो टीचर गांव में बच्चे लोगों को पढ़ाते थे सर, ठीक है, लेकिन गांव का जो राजा था वो उनका मानना था
कि पढ़ा लिखा करके कुछ नहीं हो सकता, तो टीचर वो टीचर को एक्चुअली वो गांव से भगाना चाहता था, मार देना चाहता था, और स्टूडेंट को सिखाते थे कि लिखी बे पढ़ी बे मोरी बे दुखे मत सो धोरी बे खाई बे सुखे, या फिर ऐसा सिखाता था कि लेखा पढ़ा करे जी जॉन बड़ो हुए गाड़ी चापा पड़े से जॉन, मतलब समझ रहे हो सर कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो फिर आप बेसिकली पढ़ा लिखा करके कुछ नहीं होगा, उससे अच्छा है कि मछली पकड़ो और खाया करो, ठीक है। और दूसरा सिखाता था कि भी पढ़ लिख के क्या करेगा, पढ़ा लिखा करेगा तो गाड़ी चपा करके मर जाएगा, मतलब रास्ते में एक्सीडेंट में मर जाएगा, मतलब लोगों को बचपन में ऐसा सीख दिया जाता था, ठीक है, ताकि टीचर ना पढ़ाए, ठीक है, बदले में उसको बोलता था कि तुम दूसरा काम करो, मेरे यहाँ पर आ जाओ, या फिर डील करता था ऐसा बेसिकली, और कुछ नहीं सर, लोगों को एडुकेटेड नहीं होने देना है ताकि उनका काला राज जो है सर वो चलता रहे, जो आजकल चलता दिखता है हम लोगों को, हाँ पढ़ लिख के क्या करोगे, उससे अच्छा है पैसा ले लो और चुप हो जाओ। ओके, समझ गए सर, ठीक है सर। बहुत लोग देखा होगा लग रहा है यहाँ पर, फिराक राजा देशे, मैं तो नॉस्टैल्जिक हो गया सर। अच्छा, however as specified in schedule 1 of gst act certain activities are considered as supply even if it is made without consideration, अरे बाप रे सर, आगे बात करेंगे इसका, ठीक है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होंगे जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होगा बट फिर भी सप्लाई माना जाएगा, सर ये तो गलत बात नहीं, सर गलत नहीं है, तब भी आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी नहीं बाद में आते हैं सर, लिस्ट आएंगे सर, लिस्ट में आएंगे। अच्छा, ट्रांजैक्शंस ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, अच्छा चलो अभी आ गया, ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, जैसे कि ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स and other activities of GST schedule 1 will be treated as supply even if made without consideration, koi consideration nahi hai fir bhi supply mana jayega related persons ke beech mein, sir related persons kaun hote hain, bahut vital part hai sir, so very very important part, jab aap log income sales tax officer banoge ya GST officer banoge na, aapke liye related party transactions ka bahut kaam aata hai, because ye related party transactions samajhna bhi ek bahut zaruri ho jata hai, because usme bahut sara jhol hota hai, jhol matlab bahut कुछ छुपा हुआ रहता है टैक्स बचाने के लिए, ठीक है। दिस नोट्स डील्स विद ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड अदर सच एक्टिविटीज दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दीज ट्रांजैक्शंस, दीज आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, दीज ट्रांजैक्शंस आर मोस्टली बिटवीन पार्टीज विच आर रिलेटेड और बिटवीन एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल, द पार्टीज पे जीएसटी एंड कैन लेटर क्लेम इट एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझ रहे हो सर, रिलेटेड पार्टी जीएसटी पे करेगा और बाद में आईटीसी भी ले सकता है, जैसे कि सर ये तो समझाओ रिलेटेड पार्टी कौन है, चलो वो देखना है सर, अभी हम लोग कुछ डिटेल्स बात करेंगे, ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्संस ये क्या है, हु इज रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई मेड बिटवीन रिलेटेड पर्संस, वैल्यूएशन ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्संस, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स वाया एजेंट, टैक्सेबल पर्सन इंपोर्टिंग सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स, सर व्हाट इज आईटीसी, आईटीसी सुना रे बांग्ला क्या, अरे नहीं, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब जीएसटी पढ़ोगे ना आईटीसी का मतलब आईटीसी सुना रे बांग्ला नहीं, या फिर आईटीसी का मतलब अभी तो पहले का नाम था ना आईटीसी कंपनी का, इंडियन टोबैको कंपनी, अभी नहीं है ये इंपीरियल टोबैको कंपनी, कभी हुआ करता था इंटरनेशनल टोबैको कंपनी, बहुत बार नाम चेंज हुआ है, लेकिन हमारे लिए जीएसटी में आईटीसी का मतलब क्या है, जीएसटी में आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि आप परचेस के टाइम पे जो टैक्स पेमेंट करते हो, सेल के टाइम पे आपको जब सरकार टैक्स मांगते हैं आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, जो बहुत अच्छा एक बेनिफिट है सर, अगर आप रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो तो आप इजिली क्लेम कर सकते हो, आगे चर्चा करेंगे आईटीसी पे, आईटीसी तो सबसे बड़ा टॉपिक है जीएसटी का, ठीक है, लेकिन चलो पहले रिलेटेड पर्संस क्या है, सप्लाई क्या है, रिलेटेड पर्संस पे सप्लाई क्या लग जाता है समझ लेते हैं सर, ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्संस कौन है सर, ये लोग दिमाग खाने के लिए आ गया, ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज आर ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस अंडर एनी लॉ इवन इनकम टैक्स में भी, एज द प्राइसिंग मेथोडोलॉजीज एंड अराइविंग एट देम आर चैलेंजिंग, प्राइसिंग मेथोडोलॉजीज एंड अराइविंग एट देम आर चैलेंजिंग, मतलब इसमें क्या दाम चार्ज कर रहा है, कौन सा दाम लगा रहे हैं, ये पता करना ना चैलेंजिंग हो जाता है ऑफिसर्स के लिए, व्हेन पार्टीज आर रिलेटेड द प्राइसेस आर कंट्रोल्ड, अगर आप रिलेटेड हो
तो कंट्रोल हो जाएगा प्राइस। अभी समझाता हूँ, थोड़ा सस्पेंस लग रहा होगा आप लोगों को, बट डोंट वरी, अभी सस्पेंस खत्म होगा कुछ ही देर में। प्राइसेस आर कंट्रोल्ड एंड दे वुड नॉट समटाइम्स बी द प्राइस दैट वुड हैव अदरवाइज बीन चार्ज्ड। मतलब जो प्राइस चार्ज एक्चुअल में होता है वो वाला दाम नहीं लगाया जा रहा है। हैड द ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज, क्या सच में ट्रांजैक्शंस हुआ है, ये भी एक बात है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पर्सन अंडर जीएसटी। When would such a supply be taxable and how it is valued as per GST laws? Related person is defined under section 2 subsection 84 of the GST Act. Sir, ये सब section याद रखना है? हाँ सर, एकदम बिल्कुल। Because आप लोग कोई आम आदमी नहीं बन रहे हो सर, ठीक है? आम आदमी होते तो बोलता छोड़ दो यार, जरूरी नहीं है। But आप लोग खास बन रहे हो सर, Parliament Act बन रहे हो आप लोग, professionals बनोगे, जानना जरूरी है। Sir, who is related person under GST? सर पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड, डीम्ड टू बी रिलेटेड, डीम्ड मतलब, अरे डीम्ड का मतलब क्या है, कौन बताएगा? डीम्ड का मतलब मान लिया जाएगा। यस सर, लो मान लिया हमने, ठीक है ऐसा बात। तो पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड इफ दे फॉल अंडर द एनी ऑफ द कैटेगरीज बिलो। क्या क्या है? जैसे मानो कि ऑफिसर्स और डायरेक्टर ऑफ वन बिजनेस इज द ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ द अनदर बिजनेस। दो अलग अलग बिजनेस का ऑफिसर और डायरेक्टर के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस हो रहा है, रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। दोनों अलग अलग बिजनेस में ऑफिसर्स है डायरेक्टर्स है, उनके बीच में क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है? मतलब कुछ तो डील चल रहा है सर, कंपनी कंपनी के बीच में, ठीक है, प्राइस को कंट्रोल करने को लेके। बिकॉज दे डोंट वांट कि गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स नहीं देना है, प्राइस को कंट्रोल करके अपने बीच में थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा चलता है सर, बिजनेस बिजनेस में चलता है। तो ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर ऑफ वन बिजनेस टू द ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनदर बिजनेस। Business are legally recognized as partners. मतलब businesses are legally recognized as partners. मतलब दो business, दो actually partner है. ऐसा दो business जो actually partner business है. तो एक partner business दूसरे partner business के साथ जब transactions करता है, वो भी related party transactions हो गया. Say for example, A company and B company. दोनों company का नाम अलग है. But एक A company से B company में product जा रहा है, ठीक है? या B company से A company के पास product का transactions हो रहा है या service का transactions हो रहा है. तो ये रिलेटेड पार्टी हो गया। जैसे कि फ्लिपकार्ट के साथ मिंत्रा का रिलेशन कैसा है? अरे फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा एक्चुअली दोनों ब्रांड है, ये एक ही कंपनी है, ठीक है, ब्रांड अलग है। एक्चुअली मिंत्रा पहले अलग नाम पे, मिंत्रा अलग था, बाद में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को परचेस कर लिया। लेकिन लोगों को लगता है मैं मिंत्रा का ऐप अलग से जाता हूँ, फ्लिपकार्ट का ऐप अलग से लेता हूँ। मिंत्रा को थोड़ा कंपनी ने थोड़ा सा क्या बना के रखा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसा लगता है थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी है। फ्लिपकार्ट इज फॉर जनरल क्वालिटी, फॉर एवरी, फॉर ऑल पर्पस, पर मिंत्रा स्पेशली फॉर शॉपिंग पर्पस, स्पेशली क्या बोलते हैं उसको, अपैरल क्लोथ ये सब के लिए। तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मानो कि फ्लिपकार्ट मिंत्रा को कुछ दे रहा है, सर्विस कर रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा अगर वो दोनों पार्टनर कंपनी है, तो पार्टनर बिजनेस है, तो ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ बात है सर, ऐसा ही कुछ बात है, समझ में आ रहा है सर? फ्लिपकार्ट मिंत्रा जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, बस आपको याद, मतलब एक बार कनेक्ट करने के लिए, बाकी आप समझ गए होंगे। सर अगर रिलेशनशिप एंड मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वाला हो जाए, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मतलब बेसिकली कोई सैलरी में किसी के पास नौकरी करते, उनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन चल रहा है, ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ओरिजिनल प्राइस पता नहीं चलेगा, अरे मार्केट रेट पता नहीं चलेगा, डोंट वरी, अभी समझ जाएंगे आप लोग, एग्जाम्पल करेंगे अभी। Any persons hold at least 25% of share in another company. अगर किसी इंसान का किसी दूसरे कंपनी में 25% के आसपास का अगर शेयर होल्डिंग हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या डायरेक्टली या किसी के थ्रू से, तो ये मान लिया जाता है कि उनके बीच में अगर कभी भी कोई ट्रांजेक्शन हो जाए तो वो रिलेटेड पार्टी है। बेसिकली दे आर रिलेटेड पार्टी, अब ट्रांजेक्शन हो ना हो, वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कंपनी में एक बिजनेस के अंदर दोनों बिजनेस है, ठीक है, दो बिजनेस है या दो पार्टी है, बट एक दूसरे को कंट्रोल करता है, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक दूसरे को कंट्रोल करता है। या तो ये बिजनेस जैसे कि शेयर होल्डिंग सब्सिडियरी में से होता है ना सर, होल्डिंग सब्सिडियरी बिजनेस होता है ना, कंपनी लॉ में आप लोग पढ़ते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, एक दूसरे को कंट्रोल करता है, तो वन ऑफ देम कंट्रोल्स अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। अगर उनका कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट कॉमन हो, एंटिटीज टुगेदर कंट्रोल अनदर एंटिटी, दोनों एंटिटी एक साथ मिलकर किसी तीसरा एंटिटी को कंट्रोल करता है, दोनों एंटिटी एक साथ मिलकर किसी तीसरा एंटिटी को कंट्रोल करता है, वो भी हो जाएगा रिलेटेड पार्टी।
दे ऑल आर फ्रॉम द सेम फैमिली, अगर वो लोग सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हो, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अरे जैसे कि HUF, अगर ऐसा कुछ भी रिश्ता निकल जाए तो वो सब ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। बोलो सर, रिलेटेड पार्टी समझ में आया आप लोगों को? लंबा लिस्ट है बट क्या समझ में आ रहा है बताइएगा सर, तो आगे बात समझ में आएगा। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, पर्सन इंक्लूड अ लीगल पर्सन हु कैन बी इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनी, फार्म, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सभी चीजें इनकम टैक्स में पर्संस भी कहलाते हैं, इवन GST में भी ये लोग पर्संस हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एटसेट्रा, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई एंटिटी इंडिया के बाहर भी बने तो भी चलेगा। पर्सन के अंदर मतलब ये जो भी बात यहाँ पर हो रहा है पर्सन के बारे में बात हो रहा है, पर्सन के अंदर वो सारा का सारा पर्सन जो आप लोग इनकम टैक्स में भी पढ़ चुके हो, यू ऑल, मुझे पता है आप लोग सभी इनकम टैक्स पढ़े हो, तो वही सब यहाँ पर भी है। इवन कोई एंटिटी बाहर में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, मतलब इंडिया के बाहर वो कंपनी बना है लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो भी चलेगा, तो भी वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद वन अनदर बिजनेस, एसोसिएट मतलब एक दूसरे के साथ एसोसिएट में काम करते हैं ना सर, और इज अ सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेंशन, क्या बोलते हैं उसको, कंसाइनमेंट में होता है ना, कंसेशनरी शैल बी डीम टू बी रिलेटेड, ठीक है, कंसाइनमेंट में जो होता है तो कंसेशनरी, एक ही कंसेशनरी है तो वो भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। कंसेशन में क्या होता है, कंसाइनर कंसाइनी में, मानो कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कोलकाता में बिजनेस करते हो और आपका जो एजेंट है बेसिकली वो दिल्ली में है, तो बेसिकली आपका कंसाइनमेंट उनके पास जाता है, वो उसमें वहाँ पर बिजनेस कर रहा है आपका ही प्रोडक्ट, तो ये हो गया ना कंसाइनर कंसाइनी कंसेशनरी। ओके, तो ऐसा अगर एक भी कोई हो तो भी रिलेटेड पार्टी बन सकता है। तो रिलेटेड पार्टी का बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है, ठीक है, ये आपको समझ में क्या आया अभी? रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी में भी सप्लाई हो सकता है बट उनके बीच में शायद कोई कंसिडरेशन हो ही ना, है ना, शायद कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ फिर भी वो सप्लाई है। कुछ एग्जाम्पल करेंगे बट उसके लिए थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो सर, एग्जाम्पल में आएंगे। सर, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई मेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन? कहाँ चला गया रे? व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई मेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन? रिलेटेड पार्टी के बीच में जो सप्लाई होगा उसमें टैक्सेबिलिटी का क्या है? Supplies between the related person, supplies between the related persons with consideration in arm's length shall constitute as supply like any other transactions. बाकी जो दूसरा transactions होता है वैसा ही होना चाहिए। Whereas the supply made between related persons for inadequate, normally क्या हो सकता है कि inadequate हो जाते हैं, जैसे क्या होता है ना ऐसा, जैसे मतलब जो inadequate मतलब क्या, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, या फिर बंगाली में बोलो तो पर्याप्त तो नहीं है, मतलब सपोज किसी चीज का दाम मार्केट में 100 रुपया है, रिलेटेड पार्टी को आप 80 शो कर रहे हो, तो आपका जो सेल वैल्यू वो गिर रहा है, और अगर सेल वैल्यू गिर जाएगा तो फिर GST क्या होगा? 100 का चीज 80 में दे रहे हो, 100 का चीज किसी रिलेटेड पार्टी को 80 में दोगे तो फिर GST कलेक्शन क्या हो जाएगा गवर्नमेंट का? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। तभी तो गवर्नमेंट को चिंता है, तभी तो आपको ये पढ़ा रहे हैं कि रिलेटेड पार्टी पहचानना सीखो, रिलेटेड पार्टी पहचानना सीखो। ओके, बात समझा करो। तो सप्लाई भी होता है बट वही होता है, बट कभी बहुत ज्यादा बड़ा कुछ घोटाला हो जाए तो गवर्नमेंट का चिंता होता है ना सर, होता तो बहुत कुछ है, जो भी लिखा हुआ है थोड़ी ना सब कुछ कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, बट एटलीस्ट कुछ है। अभी देखो, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक करने के लिए पब्लिक ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। जिस दिन पब्लिक ठीक ठाक हो जाएगा, एक चीज मेरे को ऐसा लगता है सर, ये जो समाज में चलता है ना कि कोई थोड़ा रिच ज्यादा होता होना चाहता है, कोई रिच नहीं हो पाता क्योंकि किसी लोगों को इल्लीगल चीजें करना ज्यादा अच्छा लगता है, कोई लोग है सर जो इल्लीगल चीजें पसंद नहीं करता, और कोई बोलता है उसको दिमाग में नहीं आता है ना, कोई ऐसा भी बोलता है जल क्यों रहे हो भाई, तुमको भी आता है तो तुम भी करके दिखाओ कोई बोलता है मेरे को ये सब नहीं करना है भाई, मेरे को शांति से खाना पीना है, ऑनेस्टी का कमाई खाना,
कोई बोलता है इसी में मजा है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा, अलग अलग सोच के लोग हैं। बट मेरे दिमाग में ऐसा कभी कभी चलता है कि इलीगल चीज करके, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके अगर सब कुछ होता, अगर हर एक इंसान लीगलिटी मेंटेन करके चलता, क्या गजब का कंट्री बनता सर। ये कुछ लोग जीएसटी का पेमेंट करके प्रोडक्ट लेता है, कुछ लोग जीएसटी बिना ही प्रोडक्ट लेके सस्ता में मार्केट पकड़ना चाहता है। यस आई अंडरस्टैंड, बिजनेस है करना चाहेगा, बट मुश्किल क्या हो जाता है अगर सभी कोई जीएसटी देके ही प्रोडक्ट खरीदता, तो फिर मार्केट में जो ये एक हैपजर्ड क्रिएट हो गया, ये नहीं होता, सबको इक्वल देखा जाता, सबको इक्वल कॉन्सेप्ट में चलना पड़ता, ये मारपीट होता ही नहीं, ये मारपीट होता ही नहीं, ब्राइब घूस कुछ होता नहीं, बस कंट्रोलिंग में आ जाता। तो अब क्या करें, आज नहीं तो कल बनेगा, देखो सर क्या होता है। ऐसे कुछ चीजें किताब में ही अच्छा लगता है ना सर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ सर, ये सब चीजें किताब में अच्छा लगता है, रियलिटी में अच्छा नहीं लगता क्या रे, सही बोल दिया क्या? हाँ सर, कुछ बोलते नहीं आप लोग। ना सर ना सर, सीरियसली कुछ चीजें किताब में ही अच्छा लगता है, मतलब ऐसा हो गया है, किताब में जो लिखा है जरूरी थोड़ी है जो किताब में वो मान के चलना पड़े। ओके, तो सप्लाई मेड बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स फॉर इनएडिक्वेट और नो कंसिडरेशन, या तो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है या तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, इज कवर्ड अंडर शेड्यूल वन ऑफ जीएसटी एक्ट, सच ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ओनली इफ इट हैपेंस इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दर, व्हेन एन एंटिटी मेक्स एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन से, ओके, और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन बट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। कोई रिलेटेड पार्टी से आप कोई इंपोर्ट ले रहे हो, कोई सर्विस या गुड्स, जिससे आप इंपोर्ट ले रहे हो प्रोडक्ट या सर्विस, वो बाहर में है, इंडिया के बाहर है, तो इंडिया के बाहर से कोई भी रिलेटेड पार्टी से अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो, चाहे रिलेटेड पार्टी हो या ना हो, इंपोर्ट तो है, और अगर वो इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट जो आप कर रहे हो दैट इज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वो ऐसे नहीं कि घर में सजाने के लिए, पर्सनल काम के लिए नहीं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो सप्लाई माना जाएगा, इट शैल बी कंसिडर्ड सप्लाई। एक्सेप्शन भी है सर, रिलीफ हैज बीन गिवन इन केस वेयर एन एम्प्लॉयर गिफ्ट इज एम्प्लॉई एंड द वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज लेस देन 50,000, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट प्रोवाइड करता है और वो गिफ्ट 50,000 से कम है, तो 50,000 के कम वाला गिफ्ट को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है, बट ये वाला गिफ्ट जो है ना सर, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में हुआ है, बाकी दूसरे में नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में गिफ्ट का ट्रांजेक्शन हुआ है और वो गिफ्ट का वैल्यू 50 से नीचे है, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके, याद रखिएगा सर। सर हाँ बोलो सर। सर अभी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए अगर मतलब प्रमोशन में जो सैंपल्स दिया जाता है वो भी होगा क्या सर? हाँ, प्रमोशन से जो, हाँ ऑब्वियसली सैंपल्स वगैरह तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। हाँ मतलब तो वो तो ऑब्वियसली हो जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा, एकदम सप्लाई माना जाएगा, बस गिफ्ट होने से 50,000 के नीचे होने से सप्लाई नहीं, बस वही है सर। अब आपके सामने सवाल आ रहा है सर, सबसे बड़ा सवाल कि सर रिलेटेड पार्टी में जब ट्रांजैक्शंस होता है वो लोग तो रियल अमाउंट छुपा लेता है ना सर, जो रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शंस करता है वो रियल अमाउंट को छुपा लेते हैं, मतलब जो ओरिजिनल कंसिडरेशन है आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, तो फिर आप किस तरह से वैल्यूएशन करोगे? बिग चैलेंज ना सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वैल्यूएशन करना, तो ये कैसे करोगे? तो उसके लिए कुछ तोड़ है सर जो जीएसटी ने आपको, डिपार्टमेंट ने आपको बोल के रखा है, जैसे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस अदर देन वेयर द सप्लाई इज मेड थ्रू एन एजेंट, एजेंट के थ्रू से सप्लाई नहीं हुआ है ऐसा छोड़ के, ऐसा होता है सर। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, मतलब वही प्रोडक्ट अगर ओपन मार्केट में बिकता तो उसका जो वैल्यू होता है, ओपन मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन टू अनरिलेटेड पार्टीज। ओपन मार्केट मतलब जैसे मानो कि आप कोई नॉर्मल शॉप में गए हो जो आपका कोई नहीं लगता, ठीक है, जो रिलेटेड पार्टी का हम लोगों ने डिस्कशंस किया वैसा वाला, अरे मामा चाचा वाला बात नहीं कर रहे, मामा चाचा भी नॉर्मल मार्केट में हो सकता है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी का पूरा डिस्कशंस किया सर, ऑफिसर्स डायरेक्टर्स, ठीक है, इस तरह का कंपनी में 25% का स्टेक, इस तरह का, तो
ओपन मार्केट में वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन टू अनरिलेटेड एंटिटीज, मतलब दो अनरिलेटेड एंटिटीज के बीच में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का जो दाम में सेल होता वो वैल्यू माना जाएगा. व्हेन अ सप्लाई इज बिटवीन टू रिलेटेड एंटिटीज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द प्राइसेस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर रिलेशनशिप, है ना सर? ऐसा होता है कि नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड सेल्स गुड्स टू बी लिमिटेड, रिलेटेड एंटिटी है, ए और बी दोनों रिलेटेड एंटिटी है, एट रुपीज 1000 एंड टू सी लिमिटेड एट रुपीज 1500. ए और बी रिलेटेड एंटिटी है, ए बी को दे रहा है 1000 में और ए सी को दे रहा है 1500 में. इन दिस केस वी कैन से दैट रिलेशनशिप हैज इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग ऑफ ए लिमिटेड, हेंस फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन 1500 विल बी कंसिडर्ड. मतलब जब आप सप्लाई का वैल्यूएशन करोगे तब 1000 का वैल्यू नहीं करोगे, एक ही प्रोडक्ट किसी के लिए 1000 किसी के लिए 1500, दाल में कुछ काला हो गया ना सर. एक ही प्रोडक्ट अगर एक इसके लिए कुछ और दाम दूसरे के लिए कोई और दाम बिकॉज रिलेटेड है इसलिए, तो आप बेसिकली मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते. और गवर्नमेंट का भी जो वैल्यूएशन है जीएसटी का कलेक्शन है वो कम करना चाहते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है, स्पेशली गवर्नमेंट का फंड कलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है. तो गवर्नमेंट आपको सिंपल बोल रहा है कि भाई हम लोग तो मानेंगे कि 1500 ही टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई. बात समझ में आया सर? बात समझ में आया सर? सर एक चीज सर, कल आप बोल रहे थे ना वो, मतलब कल का एक टॉपिक पकड़ रहा हूँ. हाँ बोलो. 2% डिस्काउंट का. हाँ बोलो. 2% डिस्काउंट सर, वो कुछ सप्लायर को दिया कुछ को नहीं दिया. हाँ. अगर वो अज्यूम करते हैं तो सर उस हिसाब से वो जीएसटी क्या पूरा में देना पड़ेगा उसको भी? देखो अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो फिर बेसिकली डिस्काउंट आपका सेल का पार्ट बन जाता है, ठीक है? तो सर तो रिलेटेड एंटिटी है, लेकिन सर वो भी रिलेटेड एंटिटी है ना, तो दोनों में तो सर इसमें अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 500 का डिस्काउंट दे रहा है तो नहीं होगा? नहीं सर, देखो आप 500 का डिस्काउंट, आप ये तो बेसिकली आप पूरा ये तो मैनिपुलेशन चल रहा है सर. ये जो प्रोडक्ट आप किसी एक को 1500 में दे रहे हो वही प्रोडक्ट आप दूसरे को कैसे 1000 में दे सकते हो? क्या रिश्ता है बिजनेस में, क्या रिलेशन है? कुछ तो दूसरा पॉइंट आ रहा है ना इस पे. 1500 जिसको देना है आप क्या चाहोगे? आप एक कस्टमर्स को आपका ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ी हो सकता है कि जैसे अगर आपने कल फाइनेंस वाला जो क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि 2% डिस्काउंट वाला, वो तो सबके लिए ऑफर था, वो थोड़ी ना बाइफर्केट कर रहा था. अगर किसी को लेना है तो वो लेगा, जो जल्दी पेमेंट करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा. दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो लॉजिकल सिनेरियो में रहना पड़ेगा. नहीं सर, जनरली भी बोला अभी सर, हम लोग अगर कुछ दुकान में जाते हैं, अगर पहचान का जैसे मोबाइल का दुकान हुआ तो 10,000 का फोन आपको मिलेगा 8,000 में, एंड सेम चीज कोई और खरीदने जाएगा तो उसको 10,000 में ही खरीदना पड़ेगा, तो वैसा हो जाता है ना सर. तो फिर देखो अगर तुम नॉर्मल बात करोगे, अगर वो डीलर है ना तो एक को 8,000 दूसरे को 10,000, तो वो जब वैल्यू आप सप्लाई करेगा ना, जीएसटी का जब बात आ जाता है कर सकता है, उसको मन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ही उसको माना जाएगा कि आप अपना रिलेशनशिप का फायदा ले रहे हो, सिंपल बात है. तो आपको 8,000 में मिल रहा है, वो बाकियों को 10,000 में सेल करता है, ठीक है? तो वो जब अपना पूरा लेजर बनाएगा ना सेल का, और फिर जीएसटी डिपार्टमेंट जब उसका जीएसटी पे जीएसटी चार्ज करेगा, तो सेल वैल्यू 8,000 नहीं मानेगा, वो 10,000 मानेगा. अच्छा, बात समझ में आ रहा है? समझ आया सर. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है. वो सोचे वो क्या देखेगा कि वो जनरली वो क्या दाम में बेचता है. एक आध इंसान जो रिलेटेड पार्टी हो गया उसको जो दाम में बेचेगा वो दाम थोड़ी ना वैल्यूएशन में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, वो कभी नहीं मानेगा जीएसटी वाले. ठीक है, वो आपको प्रॉफिट छोड़ के दे दिया है ना, मार्जिन नहीं लिया आपसे, अलग बात. वो आपका कोई लगता होगा या फिर आपका कोई आप खुद का ही दुकान होगा, है ना? नॉर्मली एक मोबाइल बेच के 2-3 हज़ार का ही मार्जिन हो सकता है. क्या है, एक मोबाइल बेच के कितना आता है? 2-3 हज़ार आता है ना, इससे भी ज़्यादा आता है क्या? 50% प्रॉफिट होता है? नहीं, इतना ही आता है. 30% ऐसा ही मार्जिन होता है नॉर्मली एक मोबाइल सेल करके, डिपेंड करता है, बट जनरली बता रहा हूँ मैं आपको. 10,000 के फोन में 3,000 का प्रॉफिट नॉर्मली होता है. ठीक है, तो अगर एक 3,000 का प्रॉफिट वो कर रहा है, तो अगर किसी को 10,000 का फोन 8,000 में दे रहा है, इसका मतलब वो बेसिकली प्रॉफिट किया ही नहीं या फिर बहुत ही कम प्रॉफिट किया है. तो फिर जीएसटी वाले तो आपको चुपचाप पूछ लेगा, भाई ऐसे करके बिजनेस कैसे करोगे आप, कैसे चल रहा है, फिर आपका घर कैसे बन गया, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, अगर आप इतना कम दाम में सेल कर रहे हो तो आपको घुमा के सवाल करेगा. क्योंकि हिसाब करना एकदम चुटकी का खेल है, जो अकाउंट समझते हैं और फाइनेंस समझते हैं ना वो 2 मिनट में हिसाब लगा देगा,
कि आपका इनकम का प्रूफ बताओ, अगर आप सोर्स नहीं बता सकते तो बोलेगा कि आप चोरी करते हो, कुछ तो चोरी करते हो आप, तब आपको जवाब देना। सर जीएसटी वाले भी लेते हैं ना सर, वो लोग कुछ खरीदते जाएंगे तो सर बार्गेनिंग वो भी करेंगे, डिस्काउंट वो भी मांगेंगे सर, पहचान का निकला तो वो तो सर हर कोई करेगा ना। नहीं वो अलग बात, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, तूने मेरे को बोला था ना कि सर 10,000 का फोन हमको 8,000 में मिल रहा है, ठीक है, तो 8,000 2,000 काफी ज्यादा डिस्काउंट है, जो नॉर्मल कस्टमर को 10,000 में दिया जाता है, अगर दुकानदार कस्टमर को तो सेम ही ट्रीट करेगा ना, आप कोई खास लगते इसलिए आपको 8,000 में दे दिया, नहीं तो वो कभी नहीं करेगा बिजनेस के हिसाब से, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के हिसाब से कभी नहीं करेगा। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब उसको बिजनेस करना है, उस हिसाब से वो कभी नहीं करेगा, वो कुछ आपका कुछ स्पेशल इंटीमेशन है उसके साथ, मतलब रिलेशनशिप है, वो अलग बात। अच्छा देखो आगे बढ़ते हैं, सब समझ गया, सब समझ गया, लेकिन फिर भी हम लोग बात को घुमा फिरा के कितना भी बात कर ले, बात सबको समझ में आ गया इतना मुझे पता चल गया। अच्छा सर अब एक दूसरा सवाल चलो आपके सामने, सर अगर ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो रहा है कि मार्केट में वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पर ए ने बी को दे रहा था 1,000 में जो रिलेटेड पार्टी था, और सी को दे रहा था 1,500 में जो अनरिलेटेड पार्टी था, गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं कि हम तो वैल्यूएशन 1,500 में लगाएंगे, बट अगर ओपन मार्केट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर आप ओपन मार्केट में वैल्यू नहीं कर पाते तो वैल्यू ऑफ द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी शैल बी कंसिडर्ड, तब क्या देखा जाएगा कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या काइंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में क्या दाम में सेल होता है, तब हम लोग मार्केट में सर्वे करेंगे। सर कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बट सर बात समझा करो, अगर आपको रियलिटी में मार्केट में जैसे जो इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, जैसे रिसेंटली इनकम टैक्स में काफी पोस्ट निकला है सर, या फिर आप फाइनेंशियल जॉब जब भी करने जाओगे ना, आपका कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी चीजें मार्केट में एक्चुअल में क्या दाम में बिक सकता है। अगर आप बोलोगे मुझे मार्केट नॉलेज नहीं है तो ये आपका जगह नहीं है, ठीक है, मार्केट नॉलेज बढ़ाना जरूरी है सर। तो इफ ए लिमिटेड वॉज मेकिंग एंटायर सेल्स टू बी लिमिटेड, देन द अबव मेथड ऑफ वैल्यूएशन वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, देन वी वुड कंसिडर डी लिमिटेड हु सेल सिमिलर गुड्स एज ए लिमिटेड, मतलब सपोज मानो ए लिमिटेड सिर्फ बी लिमिटेड को ही सारा का सारा प्रोडक्ट सेल करता है और 1,000 में ही दे देता है, ठीक है, जो जीएसटी ऑफिसर्स को लग रहा है कि ये काफी लो वैल्यूएशन हो रहा है, इस तरह का प्रोडक्ट का इतना कम वैल्यूएशन नहीं हो सकता, ये जीएसटी वाले को लग रहा है, जीएसटी ऑफिसर मतलब ऑफिशियल्स को, तो वो क्या करेगा, मार्केट में सर्वे करेगा, क्या सर्वे करेगा, वो देखेगा कि सिमिलर काइंड ऑफ काम वी वुड कंसिडर डी लिमिटेड हु सेल सिमिलर गुड्स टू ए लिमिटेड, सपोज डी लिमिटेड ए लिमिटेड को सिमिलर गुड सेल करता है, तो अगर डी लिमिटेड ए लिमिटेड को सिमिलर गुड सेल करता है जिसका मार्केट में 1,200 रुपये का दाम लेता है वो, तो फिर वैल्यूएशन हो जाएगा 1,200 का, बिकॉज उस टाइम में ये 1,500 वाला मिसिंग है ना, 1,000 वाला ही है, और 1,000 वाला इसको लो वैल्यूएशन लग रहा है, तब उसको मार्केट सर्वे करना है, और मार्केट सर्वे करके उसने देखा कि डी लिमिटेड ए लिमिटेड को सिमिलर गुड्स बेचता है और वो गुड्स 1,200 का है सिमिलर गुड्स, तो वो क्या डिसाइड करेगा कि वैल्यूएशन क्या है 1,200 का, सर्वे ये सर्वे वाला वैल्यूएशन हो गया, तब किया जाता है जब ओपन मार्केट में वैल्यू डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है, तब सिमिलर गुड्स मार्केट में ट्रांजैक्शंस और कहां कहां होता है वो चेक करके हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा गुड्स मार्केट में क्या दाम में वैल्यू हो सकता है, तब 1,200 करके वैल्यूएशन लगाया जाएगा इफ ओपन मार्केट वैल्यूएशन इज मिसिंग। बोलो सर बात समझ में आ रहा है सर, अनरिलेटेड पार्टी का केस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है रियलिटी में? हाँ सर, सर आप लोगों का हाँ ना बहुत जरूरी है, बोलो। क्या रे किसी का भी जवाब नहीं मिल रहे मुझे, नहीं समझ आया क्या? आया ना समझ में? ओके सर, और एक तीसरा पॉइंट आपके सामने हाजिर हो गया सर, ये बोथ द अबव मेथड्स डू नॉट गिव एन एप्रोप्रिएट वैल्यू, अगर दोनों जो मेथड, एक 1,500 का वैल्यूएशन समझ में आया था और एक 1,200 का मेथड समझ में आया था, बट सर अगर दोनों मेथड ही एप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं दिखता है तो क्या करना चाहिए? तब सर कॉस्टिंग फॉलो करना पड़ेगा, तो ऐसा गुड्स का वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितना है बेस्ड ऑन कॉस्ट, ये बोथ द अबव मेथड्स डू नॉट गिव एन एप्रोप्रिएट वैल्यू, नॉर्मली सेल वैल्यू में होना चाहिए, बट अगर सेल वैल्यू किसी कारण से मिसिंग दिख रहा है तब क्या करना पड़ेगा, तब कॉस्ट वैल्यू से ही काम चलाना पड़ेगा,
ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी, कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उस तरह का गुड्स बनाने में क्या खर्चा लग जाता है, तो वही वैल्यू से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। व्हेन दे कांट फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू, मार्केट सेल वैल्यू, इसको हम लोग रेसिडुअल मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, तो अनरिलेटेड पार्टी का टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वैल्यूएशन कैसे मिलता है, क्लैरिटी मिला सर? अनरिलेटेड पार्टी कौन होते हैं ये भी समझ में आया होगा? अरे क्या अभी डेप्थ हो जा रहा है क्या, क्या समझ में आ रहा है? अरे बोलो सर, दीक्षा नंदिनी, आप लोगों का एकदम आवाज नहीं आ रहा है किसी का भी। प्रिया, ज्योति बोलो सर। तथा ओके सर, ओके सर। सप्लाई ऑफ गुड्स वाया एजेंट, अब एजेंट के थ्रू से सप्लाई करना है, सप्लाई ऑफ गुड्स वाया एजेंट, एजेंट के थ्रू से सप्लाई करना है बाई ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एंड एजेंट विल सप्लाई देम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बाई ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एंड एजेंट विल सप्लाई देम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ऐसा तो होता है ना कि मेरा एजेंट है, स्पेशली ये कंसाइनर कंसाइनी वाला केस। आप लोग कंसाइनमेंट अकाउंट किए हो गया मैम के पास कभी, किसी ने भी? अगर कंसाइनमेंट अकाउंट करते हो, मैम कराते हैं मुझे पता है, बहुत लोगों को सिखाते रहते हैं, अभी भूल गया सर किसका कब है, मतलब किसका इंटर में है, किसी किसी का फाउंडेशन में भी है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में ये प्रिंसिपल एजेंट वाला कैलकुलेशन चलता रहता है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज वगैरह सब सिखाया जाता है। अच्छा, तो बाई ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एंड एजेंट विल सप्लाई देम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी बेस्ड इन मुंबई एम्प्लॉयज एन एजेंट इन पुणे, ठीक है, बॉम्बे से पुणे ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर, दोनों ही महाराष्ट्र में है और दोनों ही महाराष्ट्र का दो बड़ा शहर है सर। एक पुणे जो एजुकेशनल हब भी है और एकदम पहाड़ी के आसपास बहुत सुंदर जगह है सर, और एक है रहा अपना मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल भी है। तो मुंबई से जो कंपनी का प्रिंसिपल है वो एजेंट को भेज रहे हैं पुणे में एंड सेंड गुड्स टू हिम, जीएसटी इज एप्लीकेबल। बात समझ में आया सर? अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स भेज रहा है तो वो भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बाई एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल व्हेन द एजेंट रिसीव दिस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट भी प्रिंसिपल को भेज सकता है। बाई एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल व्हेन एजेंट रिसीव दिस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब ये तब हो सकता है जब एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स को रिसीव करता है और फिर प्रिंसिपल को भेजता है, ये भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी इन दिस सबर्ब्स, सबर्ब मतलब समझते हो, सबब मतलब क्या सर? अरे सबब का मतलब कौन बताएगा? सबब का मतलब, अरे कोई तो बताओ, अरे सबब का मतलब क्या है? सब अर्बन, सब अर्बन एरिया, मतलब जो बेसिकली सिटी के पास होता है बट सिटी नहीं है। जैसे मानो कैसे बताऊ, सब अर्बन एरिया जैसे कोलकाता का, जैसे केष्टपुर, केष्टपुर करेंटली कोलकाता बोल सकते हो बिकॉज एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है, केष्टपुर नहीं, थोड़ा और दूर चलते हैं लाइक न्यू टाउन, नहीं न्यू टाउन इज नॉट, हाँ सर माइकल नगर, हाँ हाँ वो सब हो जाएगा, मध्यम ग्राम, बारासात वगैरह, ये सब अर्बन एरिया हो जाता है। यस, जो कोलकाता है बट फिर भी वो सब अर्बन एरिया है। यस, बारासात, उधर बारुईपुर हो गया, ठीक है, ये सब आप ले सकते हो सब अर्बन में, ठीक है। तो कंपनी इन द सबर्ब्स एम्प्लॉयज एन एजेंट इन द सिटी, ठीक है, कंपनी इन द सबर्ब्स एम्प्लॉयज एन एजेंट इन द सिटी, द एजेंट बाइज गुड्स फ्रॉम द सिटी एंड सेंड्स देम टू द प्रिंसिपल टू सेल इन द सबर्ब्स, ऐसा हो सकता है, तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। एनी सप्लाइज बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल्स विल बी लायबल टू जीएसटी, बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल विल बी लायबल टू पे जीएसटी जॉइंटली एंड सेवरली, एक साथ भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है। The person paying GST can later claim ITC. जो भी GST pay करेगा, तो agent करे तो agent claim कर सकता है, और अगर principal करेगा तो principal भी ITC claim कर सकता है। ITC claim कैसे होता है, ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन लेवल में सिखा के रखे हैं, फिर से जब क्वेश्चन आएगा GST का, वहाँ पर ITC claim का क्वेश्चन फिर से करेंगे। इवन ITC का पूरा चैप्टर है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वहाँ पर तो हम लोग काफी सारा सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, तो इतना समझ के चलो कि ITC claim is possible in case of principal and agent. इसलिए जब प्रिंसिपल एजेंट के पास प्रोडक्ट का सप्लाई हो रहा है और प्रिंसिपल से एजेंट से, एजेंट से प्रिंसिपल पे, उस सारा का सारा चीज का हिसाब रखा बहुत जरूरी है, ठीक है सर? ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ही एक पार्ट है सर।
taxable person importing service from a related person. Import of service by a taxable person from a related person or from any office or other establishment outside India for business purpose will be treated as supply. Jaise ki, for example, ABC International Company is incorporated in the US. ABC International kahan par hai? US mein hai. By A Limited. Okay. Along with B Limited, ABC International Inc. is incorporated in the US by A Limited along with B Limited in India. Services are imported by B Limited from ABC Inc. ABC Inc. से वो service लेता without any consideration, because वो company उन्हीं ने बनाया है. ABC Inc. जो है is incorporated in the US by A Limited along with B Limited, दोनों मिलके किया है, ठीक है? Along with B Limited in India, services are imported by B Limited. Service कौन ले रहा है? B Limited ले रहा है. किससे ले रहा है? ABC से ले रहा है. Without consideration में, the import will be deemed to be supply. इसको supply माना जाएगा. चाहे आप कितना भी बोलो कि मेरा ही कंपनी है, मैं अपनी कंपनी से ले रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता. रिलेटेड पार्टी हो जाएगा और ये डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा एंड जीएसटी विल बी पेड बाय बी लिमिटेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट आएगा सर, आगे चर्चा होगा, सप्लाई में ही चर्चा होगा. आरसीएम बोल के, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है? नॉर्मली सर सप्लायर को जीएसटी पे करना पड़ता है. ओके, नॉर्मल सिनारियो में जो प्रोडक्ट का या सर्विस का सप्लायर है वो जीएसटी पे करते हैं गवर्नमेंट को. लेकिन जब आरसीएम होता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर, अगेन लॉजिक देखो. अब बी लिमिटेड ने इंपोर्ट किया सर्विस, सप्लायर कौन है? एबीसी आईएनसी से यूएस वाला कंपनी है. एबीसी आईएनसी जो यूएसए में है वो बी लिमिटेड ऑफ इंडिया को, बी लिमिटेड बेसिकली इंपोर्ट किया है, सर्विस इंपोर्ट किया बी लिमिटेड, बट सप्लायर कौन? जल्दी बोलो सर, सप्लायर कौन है? इंपोर्ट तो बी ने किया, सप्लायर कौन है? कोई तो बताओ सर. इंपोर्ट बी लिमिटेड, इंपोर्ट बी ने किया, सप्लायर कौन है यहां पर? ए लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड. एबीसी सप्लायर बेसिकली एबीसी, ए लिमिटेड ने बनाया उसको, लेकिन सप्लाई तो एबीसी कर रहा है ना जो यूएस में है. तो यहां पर सप्लायर एबीसी है जो फॉरेन में है सर, इंडिया में नहीं है. तो जब भी कोई फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी इंडिया में बैठ के सर्विस लेता है, इंपोर्ट करता है, तो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा? फॉरेन कंपनी को जाके बोलेगा कि भाई मेरा जीएसटी पे करो. लॉजिक क्या लगता है? क्या इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी को पकड़ना इजी रहेगा क्या? अरे क्या इंडियन गवर्नमेंट के लिए फॉरेन कंपनी को पकड़ना इजी रहेगा या इंडियन कंपनी को पकड़ना इजी रहेगा? इंडियन कंपनी. एग्जैक्टली. तो ऐसे केसेस में जीएसटी डिपार्टमेंट बड़ा सिंपल लॉजिक लगा दिया, बोले भाई जब हम लोग बाहर वाले को पकड़ नहीं सकते तो जो अंदर वाले हैं उसी को पकड़ लो. सर वो तो सप्लायर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, रिसिपिएंट तो है ना. सप्लायर नहीं है कोई बात नहीं है, रिसिपिएंट तो है ना. तो जब रिसिपिएंट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है? और सप्लायर जब पेमेंट करता है इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं. क्या बोलते हैं सर इसको? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो नॉर्मल बात है. फॉरवर्ड चार्ज इज अ नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बट रिवर्स चार्ज के में बहुत लोग आते हैं. उसमें इंपोर्टर भी एक आता है, ठीक है? उसमें एक इंपोर्टर भी आता है. समझ में आ गया सर? ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन था, ठीक है? रिलेटेड पार्टी था, विदाउट कंसिडरेशन था, बट यहाँ पर रिसिपिएंट जो है दैट इज बी लिमिटेड, वो जीएसटी पे करना होगा, वो भी आरसीएम के बेसिस पे. आरसीएम एक कंपनी का भी नाम है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. प्रिया को सुनाई दे रहा है? प्रिया का आरसीएम का काम होता है. प्रिया क्या आपको सुनाई दे रहा है मेरा बात? बट ये आरसीएम वो आरसीएम नहीं है, ये आरसीएम जीएसटी का आरसीएम है, ठीक है? दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. बोलो सर, समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है सप्लाई अंडर जीएसटी? और भी कुछ बातें सुन लो. परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, आपका बिजनेस एसेट है उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, पर आईटीसी हैज बीन एवल्ड ऑन सच एसेट्स. और जो भी एसेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो उस सभी एसेट्स में आपका आईटीसी एवल्ड है. परमानेंट ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन एवल्ड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन रिसिप्ट. हो सकता है आपने बिजनेस एसेट किसी को दे रहे हो, कंसिडरेशन कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको बदले में,
बट अगर आपका ITC उसमें ऑलरेडी अवेल किया हुआ है, मतलब आपने पेमेंट के टाइम पे ITC उस एसेट पे GST दिया था, तो ITC अवेल होगा आपका, तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा. GST इज एप्लीकेबल टू द सेल ऑफ बिजनेस एसेट ओनली, सेल ऑफ बिजनेस एसेट ओनली. इट डज नॉट अप्लाई टू द सेल ऑफ पर्सनल लैंड बिल्डिंग एंड अदर पर्सनल एसेट. सिर्फ बिजनेस एसेट्स पे एसेट जो है सर उसको जीएसटी के अंदर लाया जाएगा. पर्सनल लैंड बिल्डिंग पर्सनल एसेट्स में जीएसटी नहीं आता है. परमानेंट ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ रिसीविंग द गुड्स बैक. परमानेंट ट्रांसफर का क्या मतलब हो गया कि आपने जो बिजनेस ट्रांसफर बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो वो एसेट आपको वापस नहीं मिलेगा. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड परमानेंट ट्रांसफर. ओके, तो इस केस में इसको भी जीएसटी के अंदर लाया जाता है. ये बिजनेस का एसेट है सर, हाँ, पर्सनल एसेट नहीं. गुड सेंट ऑन जॉब वर्क और गुड सेंट ऑन टेस्टिंग, गुड सेंट फॉर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन विल नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई. ऐसे होता है ना सर, गुड्स जॉब वर्क के लिए जाते हैं. जॉब वर्क जानते हो सर आप लोग, एक जॉब कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है. जो लोग कॉस्टिंग पढ़ते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है सर जॉब कॉस्टिंग. एग्जाम्पल जॉब कॉस्टिंग का, जॉब वर्क या जॉब, हाँ बोलो, ट्रेनिंग. ट्रेनिंग एट रे पागल जॉब, वो तो जॉब ट्रेनिंग. फर्नीचर मेकिंग जॉब कॉस्टिंग में यस आ सकता है सर. जैसे मानो, यस सही बोले हो, जैसे मानो कि आपका कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसने या फिर कोई घर है, आपने किसी को जॉब दे दिया कि भाई मेरा ये फर्नीचर्स है ये बना के दे दो, ठीक है, तो ये जॉब में आ सकता है. ज्यादातर केस में जो जॉब कॉस्टिंग में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे दिमाग में जो आ रहा है सर, टेलर की बिजनेस. हाँ सर, आप टेलर के जाके बताते हो कि भाई मेरा इतना कपड़ा चाहिए. जैसे मानो कि बड़े बड़े कंपनीज के केस में समझ लो, पैंटालून्स को ही समझ लो, पैंटालून्स में इतना सारा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो पैंटालून्स क्या बोलता है, जो अपना प्रोडक्ट है वो टेलर को जाके बोल दिया भाई मेरा ये साइज का इतना इतना टी शर्ट, इतना इतना कुर्ती, इतना इतना जीन्स, जो भी है बना दो, ठीक है, तो जिसको जॉब दिया था ना वो जॉब कॉस्टिंग है, ठीक है. ऐसे बहुत सारा काम होता है. तो कहने का मतलब है अगर आप किसी को जॉब वर्क में कुछ चीज दे रहे हो जहां पर बेसिकली वो चीजें मैन्युफैक्चर होगा, तो वो सप्लाई के अंदर नहीं आता है, ठीक है. या फिर गुड सेंड फॉर टेस्टिंग. टेस्टिंग से याद आया सर, आप लोग अगर कभी गोल्ड वगैरह या फिर ये अलग अलग टाइप का पत्थर होता है ना सर, पत्थर जो हाथ में अंगूठी में पहना जाता है, वो लैब टेस्टिंग के लिए जाते हैं सर, जानते हो आप लोग, ये पन्ना क्या क्या सब नाम बोलता है मुझे इतना याद नहीं आता, बट ये सब चीजें टेस्टिंग के लिए जाता है कि आपको किसी को बेचना है, बट उससे पहले आप टेस्टिंग के लिए जाते हो, सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो, तो वो सर्टिफिकेशन में लेके जाना, टेस्टिंग के लिए लेके जाना, दिस इज नॉट क्वालिफाई एज ए सप्लाई एज देर इज नो परमानेंट ट्रांसफर. क्योंकि ये आपका बिजनेस एसेट है बट वो परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, वो आपके पास वापस आ जाएगा. आपको बात समझ में आ रहा है सर? पैंटालून्स का जो बात मैं कर रहा था आपको, पैंटालून्स जिस टेलर को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया था, पैंटालून्स ने अपना पूरा का पूरा जो भी क्लोथ का प्रोडक्ट है उसका, बेसिकली वो क्लोथिंग चीजें बेचता है, ठीक है. जारा का भी यही कॉन्सेप्ट है, जारा का भी नाम ले सकता था मैं, बट मैं चलो पैंटालून्स देसी कंपनी है उसके बारे में बात करता हूँ. ऐसे मानो ये अपना पैंटालून्स है, पैंटालून्स में इतना सारा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो पैंटालून्स जो भी, नॉट जस्ट पैंटालून्स, आप कोई भी कंपनी ले सकते हो, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो भी टी शर्ट्स वगैरह है, ये इसका जो थान होता है सर, जो इसका कपड़ा का शीट होता है, वो दे दिया टेलर को और बोला कि भाई इसका एल साइज, एक्सएल साइज सब बना के दे दो, है ना. तो जिसको भी ये जॉब मिला था, जिसको भी ये जॉब दिया गया था, क्या ये सोच के कि ये प्रोडक्ट जो है उसका वो वापस नहीं आएगा? ये तो पैंटालून्स का वापस मिलेगा, ठीक है, तो ये पैंटालून्स को वापस मिलेगा, ये परमानेंट ट्रांसफर नहीं है. तो जो परमानेंट ट्रांसफर नहीं है वो सप्लाई के अंदर नहीं आ सकता. समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर? ठीक है, बस यही बात है. गुड सेंट ऑन जॉब. डोनेशन ऑफ बिजनेस एसेट्स और स्क्रैपिंग और डिस्पोजल इन एनी अदर मैनर अदर देन ए सेल दैट इज फॉर ए कंसिडरेशन वुड ऑल्सो क्वालिफाई एज सप्लाई. अगर आप बिजनेस एसेट डोनेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप स्क्रैप को डिस्पोज कर रहे हो, आपका वो एसेट पूरा स्क्रैप हो गया, उसको डिस्पोज कर रहे हो, मतलब बेसिकली रद्दी दाम में बेच रहे हो, ठीक है, रद्दी दाम समझते हो ना, कबाड़ी वाले के पास, ठीक है, कंसिडरेशन ले रहे हो बदले में, कबाड़ी वाले के पास बेचते हो तो भी कुछ ले लेते हो ना सर, ठीक है, तो वही रद्दी दाम में बेच रहे हो, रद्दी वाला, कबाड़ी वाला, जो भी बोलते हो, ठीक है, तो वो भी सप्लाई है. वेर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड. अगर आप ITC क्लेम करते हो तो भी क्लेम कर सकते हो, अगर आपका परचेस के टाइम पे ITC था तो, ठीक है. तो स्क्रैप जब सेल होता है, देखो रद्दी वाला मतलब आप समझ लो, स्क्रैप का भी बहुत दाम होता है,
एसेट्स ऐसा भी है जिसका स्क्रैप भी करोड़ों में बिकता है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बजाज वाला बोला था। ओके, तो डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर जीएसटी इट्स टैक्स लायबिलिटी इंपॉर्टेंस केसेस व्हेन सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन सम पर्सन इज टैक्सेबल। तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया सर? अरे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अलग अलग सप्लाई जहां पर कंसिडरेशन, नॉर्मली सप्लाई के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, बट मैंने आपको ऐसे कुछ चीजें बताया जहां पर कंसिडरेशन नहीं होता है या फिर लेस कंसिडरेशन होता है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होता है, फिर भी सप्लाई मान लिया आपने। बात कुछ समझ में आया सर? बोलो सर, आप लोगों का समझ मेरे लिए बहुत वाइटल है सर। हेलो सर, बोलो सर, बोलो, समझ में आया कि नहीं अभी तक जितना हुआ है? यस सर। हाँ सर, बस ये एक कॉन्सेप्ट है, आज मैं बताऊंगा, फिर नेक्स्ट दिन इसका बाकी चर्चा करूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था आज ये कॉम्पोजिट और मिक्स्ड एक बार बताऊंगा, फिर बाद में इसके बारे में मैं फिर से चर्चा करूंगा आप लोगों से। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, बिजनेस में बहुत होता है कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, बहुत पूछते भी हैं ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में। ये सप्लाई, देर आर फ्यू सप्लाईज विच आर मेड टुगेदर विथ टू और मोर आइटम्स, मतलब सप्लाई किया जाएगा एक साथ दो तीन आइटम, सच सप्लाईज आर फर्दर क्लासिफाइड एज कॉम्पोजिट एंड मिक्सड, मतलब जब एक गुड्स नहीं जाएगा उसके साथ दो तीन चीजें, गुड्स के साथ दो तीन गुड्स एक साथ जाएगा, ऐसा होता है सर। ये सप्लाई कॉम्प्रेसिंग ऑफ टू और मोर गुड्स सर्विस विच आर नेसेसरीली सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर एज पर फ्रीक्वेंट बिजनेस प्रैक्टिस फॉलोड इन दैट एरिया। इन अदर वर्ड्स दिस आइटम्स कैनॉट बी सप्लाइड इंडिविजुअली, ऐसा ही प्रोडक्ट है इसको इंडिविजुअल सप्लाई नहीं किया जा सकता। देर इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब ये कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स टाइप का, there is a principal supply and a secondary supply in the whole transactions, in such cases the tax rate on principal supply will apply on the entire supply, matlab baat kuch aisa, agar mobile khareedoge to mobile ke sath aapko company mobile ke sath sath aapko kya bech rahe hain, wo mobile bhi bech rahe hain sath mein mobile ka cover bhi bech rahe hain, isme mobile aur mobile ka cover, baat ko samjha karo। Hi sir। Ha hello, बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? कंपनी आपको मोबाइल बेच रहा है और मोबाइल के साथ कवर भी बेच रहा है एक साथ, मोबाइल का भी प्राइस है सपोज 10,000, कवर का प्राइस है से फॉर एग्जांपल 500, बात को समझिए, इसका भी अपना जीएसटी है, इसका भी अपना जीएसटी है, से फॉर एग्जांपल मोबाइल का जीएसटी है 18%, कवर का जीएसटी है 12%, तो फिर लेकिन दोनों एक साथ सेल किया जा रहा है आपको, अलग अलग नहीं, तो ये हो गया ना सर कॉम्पोजिट सप्लाई। अरे दोनों एक साथ सेल करते हैं आपको, एक पूरा कॉम्पैक्ट करके, तो इसमें कौन सा जीएसटी का रेट माना जाएगा, 18% ले कि 12% ले सर? 18। ऑब्वियसली जो आपका प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, जो आपका प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो लिया जाएगा। ऐसे चलो अमेजन में एक बार चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है सर, अमेजन में एक मोबाइल फोन खरीदते हैं सर, मोबाइल डोंट नो सर कौन सा मोबाइल है, बस रैंडमली पिक किया मैंने, ठीक है, क्या कंपनी है, आई क्यू नाम सुने हो क्या आप लोग सर? नया कंपनी, न्यू कंपनी है, मैं फर्स्ट टाइम देखा आज, कहाँ का कंपनी है, बाप रे दाम अच्छा खासा है इसका, चाइना चाइना IQ, हाँ ओके, तो ये कंपनी, अच्छा फोन छोड़ो आप नीचे चलते हैं, देखो देखो क्या कर रही है, आपको ऑप्शन दे रहा है फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर, हाँ आप इसको कैंसिल कर सकते हो अलग बात, बट अगर मानो कि इसको पूरा एक पैकेज में बेचता आपको, ठीक है, कि ऐसा ही लेना पड़ेगा आपको, टोटल प्राइस आ रहा है 20,588, मोबाइल का दाम है 19,990, गिफ्ट का क्या बोलते हैं इसको, बैक कवर है 399 का और टेम्पर्ड ग्लास है 199 का, सभी का अलग अलग जीएसटी रेट है, हो सकता है अब रेट देखना पड़ेगा कि किसका कितना जीएसटी है, ठीक है, लेकिन इसमें जिसका जीएसटी रेट, प्रिंसिपल आइटम क्या है, प्रिंसिपल आइटम कौन सा है सर, मोबाइल की बैक कवर की टेम्पर्ड ग्लास, व्हाट इज द प्रिंसिपल आइटम? मोबाइल, मोबाइल, तो उसका जो रेट होगा वही पूरा पूरा का पूरा उसमें अप्लाई हो जाएगा, दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई सर, ठीक है, समझ में आ रहा है सर?
तो ऐसे चीज़ें बहुत ध्यान से सीखना पड़ता है। सप्लाई के अंदर ऐसे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जैसे ड्राई फ्रूट बॉक्स इन दिवाली, इट इंक्लूड्स ड्राई फ्रूट्स। दिवाली में एक ट्रेडिशन है हमारे देश में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन कल्चर में ज़्यादा है, ठीक है। बंगाल के कल्चर में ड्राई फ्रूट्स लेना देना बंगालीज कल्चर में कम है, बट आजकल बंगालीज भी सीख गए सर, ठीक है। स्पेशली सिटीज कल्चर में आ गया है ड्राई फ्रूट देना, अच्छी बात है, ड्राई फ्रूट देने में कोई खराबी नहीं है। बट नॉर्थ इंडियन लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कश्मीर रीजियन, गुजरात रीजियन में ये सब चीज़ें ज़्यादा नजर आता है दिवाली के टाइम पे। तो बॉक्स एंड रैपर, बॉक्स एंड रैपर कैनॉट बी सोल्ड इंडिविजुअली विदाउट द मेन कंटेंट विच इज ड्राई फ्रूट, ओके। दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। अब बॉक्स का भी अलग दाम है ना मार्केट में, उसका भी जीएसटी है, रैपर का भी अलग जीएसटी है, तो वो एक साथ दे रहा है। सप्लाई कंप्राइजिंग, जैसे वो क्या बोलते हैं, एक वो क्या, एक चॉकलेट का पैकेट आता है ना सर, क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन पैक, वो भी तो एक तरह का क्या हो गया, मिक्स सप्लाई हो गया, ठीक है। ए सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विस वेर इन द सप्लाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टुगेदर, इट इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई। द फर्स्ट कंडीशन टू बी मेट फॉर मिक्स सप्लाई इज दैट इट शुड नॉट बी कॉम्पोजिट सप्लाई। In such cases, the tax rate that is higher of the two supplies will be applicable to the entire supply. मतलब basically, आप चाहो तो उसको अलग कर सकते हो, मतलब आप dry fruit box को अलग कर दो, box को अलग कर दो, wrapper को अलग कर दो, ऐसा करके भी कर सकते हो। But ultimately बात हो गई कि जिसका rate higher है वो rate apply होगा। किसके केस में? Mix के केस में। Composite के केस में जैसे मानो ये वाला एक है, buy a Christmas package, ठीक है, buying a Christmas package कंसिस्टिंग ऑफ केक्स, सोडा वाटर, चॉकलेट्स, सेंटा कैप्स, एक साथ मिलकर आपको गिफ्ट आइटम दे रहा है। ईच ऑफ दिस आइटम्स कैन बी सोल्ड सेपरेटली एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दिस इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने गलत बोल दिया सर, यहाँ पर ये दिवाली पैकेट अलग नहीं दे सकते, ड्राई फ्रूट्स को बॉक्स में ही डाल के देना पड़ेगा और रैपर भी देना पड़ेगा, तो दिस इज अ कॉम्पोजिट, ओके। और ये हो गया आपका मिक्स, बिकॉज आप चाहो तो केक अलग दे सकते हो, सोडा वाटर अलग दे सकते हो, एरेटेड ड्रिंक्स, चॉकलेट अलग दे सकते हो, सेंटा कैप्स अलग से दे सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग रेट हो सकता है इसका, यहाँ पर भी बात हुई जिसका रेट ज़्यादा है वो वाला आ जाएगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स आपके सामने कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई का आ सकता है सर, बात समझ में आ रहा है सर? कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई का डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके सामने आ सकता है, यहाँ पर भी इस नोट्स के अंदर भी एक है बहुत अच्छा, ये देखो, चार्जर सप्लाइड अलॉन्ग विद मोबाइल फोन्स। आपको चार्जर दिया जा रहा है मोबाइल फोन के साथ साथ, चार्जर एक अलग आइटम है, मोबाइल फोन एक अलग आइटम है, पर ये क्या है, एक कॉम्पोजिट सप्लाई है, एक साथ ही देना पड़ता है ना। और मिक्स सप्लाई जैसे ये देखो ना, एक गिफ्ट क्या बोल सकते हैं इसको, एक गिफ्ट का थाली है जैसे सेलिब्रेशन पैक टाइप का, अलग अलग चॉकलेट्स, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, स्नैक्स वगैरह मिल के एक गिफ्ट पैक बन गया, जिसमें चॉकलेट है, कैंडी है, स्वीट्स है, बलून्स है, सब अलग अलग प्रोडक्ट है, सबका अलग रेट हो सकता है। तो बेसिकली पूरा पैकेज में जो हाईएस्ट रेट वाला होगा वो वाला रेट नॉर्मल केस में अप्लाई हो जाता है, ओके सर। कंपोजिट एंड मिक्स अप्लाई समझ में आया कि नहीं आया? आइडेंटिफिकेशन देता है सर इसका, ठीक है। तो बिजनेस अलग अलग लेवल में होता है, इसलिए सप्लाई का भी अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात करेंगे, लिस्ट ऑफ सप्लाईज एंड टैक्सेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, बहुत चर्चा बाकी है अभी सप्लाई अंडर जीएसटी में, अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है, अभी तो बस पार्टी शुरू ही हुआ है सर, ठीक है। तो नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा सर, आप लोगों को क्या करना है एक बार घर में गो थ्रू करना है, मेरे को प्लीज़ अगर मैं बाय चांस भूल जाऊँ तो पिन कर देना, जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनके पास है ठीक है, ठीक है, भूलूंगा नहीं, अभी मैं दे देता हूँ कुछ ही देर में। तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो और क्लास को रिकॉल कर लो, मतलब चुपचाप रख मत देना, कर लेना, ठीक है, ओके सर। कोई सवाल है तो करो, अदरवाइज आज इतना ही है सर। कोई क्वेरीज है क्या किसी का? अरे नहीं सर, ओके सर, ठीक है फिर, बाय सर, ओके सर, टाटा, ओके सर, बाय सर, बाय सर, बाय रक्षी सर, अच्छा टाटा।